हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम। एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ एचआरएम, जो कॉमर्स का पेपर है, विच इज कॉल्ड एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आई होप कि मैंने जो कल आपको सेशन दिया था लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स विद आरएसएम का, उससे आपको काफी अपने पेपर में बेनिफिट मिला होगा। मैम ने जैसे जैसे आपको कहा था वो सारी चीजें आपने अपने पेपर में यूज की होगी। तो आज का जो सेशन है, आज का सेशन हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कौन से मॉड्यूल्स के ऊपर आपको फोकस करना है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कौन से चैप्टर्स के ऊपर आपको फोकस करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस इस चैप्टर से आपको पूछे जाते हैं, एक ओवरऑल ब्रीफ रिव्यू लेने के लिए मैंने आज हमारे चैनल पे बुलाया है एक्सपर्ट को। और ये जो एक्सपर्ट है, ये काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है इनको भी, और ये काफी ईयर से एचआरएम का सब्जेक्ट, मार्केटिंग का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो चैनल पे मैं वेलकम करना चाहता हूँ डॉक्टर विनोद कांबले सर का, जो मुंबई के काफी रेप्यूटेड कॉलेज में पढ़ाते हैं एंड ये काफी ईयर से इसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। तो इनको काफी ज्यादा वास्ट एक्सपीरियंस है इस फील्ड का और ये सब्जेक्ट पढ़ाने का। सर का एक चैनल भी है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर का जो चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब करके रखिए। सर के चैनल का नाम है कॉमर्स सिंप्लीफाइड, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि सर का चैनल भी आप देखिए। सर काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में और काफी ज्यादा सर बच्चों को, एमकॉम के स्टूडेंट्स को, आइडॉल के स्टूडेंट्स को भी काफी ज्यादा सर अपने बेसिस पे वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू विजिट द चैनल ऑफ सर, वहां पे आपको एचआरएम के स्पेसिफिक वीडियोस भी मिल जाएंगे। आज सर को इस चैनल पे मैंने बुलाया है ताकि सर हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स है उन सभी को एचआरएम में कैसे फोकस करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके ऊपर सर आपको गाइड करेंगे। सर ये भी बताएंगे कि लास्ट मिनट में आपको कौन से चैप्टर्स पे फोकस करना है, एक ओवरऑल आपको रिवीजन करवाएंगे हर चैप्टर से रिलेटेड बेसिक बेसिक चीजों का, ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया आ जाए कि कैसे चैप्टर्स पे आपको क्या क्या चीजें रिवाइज करनी है। तो दिस सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड हु हैव नॉट एट स्टडीड। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं लास्ट मोमेंट में ढूंढते रहते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे चैप्टर्स पे फोकस करना चाहिए, लेकिन वो सारी चीजों के लिए आज हमारे पास एक्सपर्ट है जो आपको गाइड करेंगे। तो जैसे मैंने कल आपको कहा था कि बहुत सारे कमेंट्स आपके आए थे, तो आज भी मुझे काफी सारे कमेंट्स मैंने आपके देखे कि एचआरएम का भी आपको कोई एक्सपर्ट का सेशन चाहिए। तो ये मैंने एक स्पेसिफिक मेरे साइड से ट्राई किया है और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि सर काफी अच्छी तरीके से आप सभी को गाइड करेंगे एंड आपको जो जो चीजें सर बताएंगे वो सारी चीजों को आप नोट डाउन करके रखें, बिकॉज अगर आप नोट डाउन करके रखेंगे तो उसको आप फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हो पेपर में। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, आई वेलकम यू सर फॉर दिस लास्ट मिनट रिविजन सेशन ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर TYBCOM स्टूडेंट्स। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सर के पास, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करना ना भूले, जल्दी जल्दी शेयर करें ताकि सभी लोग जुड़ पाए और सभी लोगों को इस लेक्चर्स का बेनिफिट जो है वो मिल पाए। तो चलते हैं सर के पास, सर आपको अभी गाइड करेंगे एग्जैक्टली क्या क्या चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कांबले। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को TYBCOM का सेमेस्टर 6 का जो कॉमर्स 6 सब्जेक्ट है, जिसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी बोला जाता है, तो उस सब्जेक्ट को किस तरीके से प्रिपेयर करना है और किस तरीके से आप लोग मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकते हो उसके बारे में बताने वाला हूँ। ना सबसे पहले कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं और किस तरीके से पढ़ने हैं वो बताने के बाद पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आते हैं तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो उसको आंसर कर पाते हो। दूसरी चीज, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा कुछ होता नहीं है, बिकॉज रीजन क्या है कि आप लोगों को अगर सपोज एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर टोटल 12 क्वेश्चंस है, सो 12 क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोगों को लॉन्ग आंसर में आते हैं, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो आप लोगों को शॉर्ट नोट के लिए आते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स में और कुछ क्वेश्चन आप लोगों को ट्रू एंड फॉल्स में आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का डिवीजन किया जाता है। सो हर एक क्वेश्चन जो है आप लोगों को कहीं ना कहीं तो दिखाई देने वाला है। इसके लिए कौन सा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये बताना काफी डिफिकल्ट होगा। इसके लिए मेरे हिसाब से आप लोग अगर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करके जाओगे तो डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन आने दो आप लोग उसको आंसर कर पाओगे।
नो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों का ये जो सेमिस्टर सिक्स का एचआरएम सब्जेक्ट है उसको किस तरीके से, उसका पेपर पैटर्न किस तरीके से होने वाला है। सो यहाँ पे आपका ये 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, 3 आवर्स का ये पेपर रहेगा, जहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। मल्टीपल चॉइस मतलब क्या, जहाँ पे आपको एक फिल इन द ब्लैंक और उसमें 4 ऑप्शंस होंगे। टोटल आपको यहाँ पे 12 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा और आपको यहाँ पे टोटल उसके 10 मार्क्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 भी जो है वो ट्रू और फॉल्स होगा, जहाँ पे आप लोगों को टोटल 12 ट्रू और फॉल्स होंगे, उसमें से 10 अटेम्प्ट करने हैं और उसका भी आपको 10 मार्क मिलेगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो टोटल आपका 20 मार्क्स का होने वाला है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5, इसमें आपको सेम पैटर्न होगा, जहां पे आप लोगों को 3 क्वेश्चंस होंगे ए बी सी, और कोई भी 2 क्वेश्चन जो है उसमें से आप लोगों को अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। अभी यहाँ पे एक चीज याद रखनी है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन है वो मॉड्यूल नंबर 1 में से आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को मॉड्यूल नंबर 2 में से आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को मॉड्यूल नंबर 3 में से आएगा, और क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्वेश्चन है मॉड्यूल नंबर 4 में से आने वाला है। सो टोटल आप लोगों को ये जो चारों क्वेश्चन है इसमें 3 क्वेश्चंस आएंगे ए बी सी ए बी सी ए बी सी इस तरीके से, और आपको कोई भी 2 उसमें से अटेम्प्ट करने हैं। तो किस तरीके से उसको पढ़ना है मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। दूसरी चीज, ये जो आप लोगों को 3 क्वेश्चंस आएंगे उसमें से 2 अटेम्प्ट करने हैं, तो एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पे 7.5 मार्क रहेगा, मतलब 2 क्वेश्चन के आपके यहाँ पे 15 मार्क्स होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 ये आपको 15 मार्क्स के होते हैं, मतलब ये टोटल 60 मार्क हो गए आपके। और लास्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का शॉर्ट नोट के लिए आएगा, शॉर्ट नोट जो है आपको सारे मॉड्यूल में से आएंगे, कहीं से 2 आएंगे कहीं से 1 आएगा, और यहाँ पे आपको टोटल 6 शॉर्ट नोट्स होंगे, उसमें से आपको कोई भी 4 शॉर्ट नोट जो है वो अच्छे से पढ़ने हैं। एक शॉर्ट नोट का आपको 5 मार्क होगा और आप लोगों को यहाँ पे टोटल 20 मार्क्स का ये शॉर्ट नोट का क्वेश्चन होगा। तो ऐसा ही आपका पूरा पेपर पैटर्न होता है। अभी दूसरा चीज आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है कि आप लोग जब आपका कोई भी आप टेक्स्ट बुक रिफर करते हो तो उसका अगर फर्स्ट सेकंड पेज ओपन करोगे तो वहां पे आपको सिलेबस दिखाई देगा। नाउ सिलेबस में अगर आप लोग देखोगे तो हर एक मॉड्यूल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ओके, अभी उसमें से कैसे होता है कि मैंने जैसे आप लोगों को बोला क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 में आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे, सो हर एक मॉड्यूल को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो हर एक पार्ट में से एक एक क्वेश्चन आपको आता है। मतलब जैसे मॉड्यूल नंबर 1 जो है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया होगा, आप लोग अगर सिलेबस देखोगे तो उसमें आप लोगों को क्या होगा, ए क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में से आएगा, बी क्वेश्चन सेकंड पार्ट में से, और सी क्वेश्चन थर्ड पार्ट में से आएगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 में आता है। तो ये आपका पूरा पेपर पैटर्न है। अभी मैं एक्चुअल जो है वो आपको स्टार्ट करता हूँ किस तरीके से ये सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। नाउ सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम, फंक्शंस ऑफ एचआरएम और ट्रेडिशनल एचआरएम वर्सेस स्ट्रेटेजिक एचआरएम, ये अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज आपको क्वेश्चन नंबर 2A में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। अभी देखो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम में आपको क्या करना है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट मैन पावर, इफेक्टिव यूज ऑफ मैन पावर, मतलब ये आप लोग क्या कर सकते हो, थोड़ा सा कनेक्टेड पॉइंट्स है, मतलब प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हो तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके यहाँ पे कॉम्पिटेंट मैन पावर अवेलेबल हो जाता है। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, टैलेंटेड। आप अगर अच्छे से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हो तो आपके यहाँ पे इफेक्टिव मैनेजमेंट मैन पावर का यूज हो पाता है। अगर आप लोग एचआरएम प्रॉपर नहीं करोगे तो आप लोग आपके मैन पावर का क्या करोगे, अंडर यूटिलाइजेशन करोगे। उसके बाद में है मोटिवेशन ऑफ मैन पावर, मोरल ऑफ मैन पावर, और फिर लास्ट में देखो यहाँ पे है कॉर्पोरेट इमेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और करियर डेवलपमेंट, और लास्ट में यहाँ पे है वर्किंग रिलेशन, मतलब क्या कि झगड़े नहीं होते हैं। सो आप अच्छे से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हो तो उसके क्या फायदे होते हैं, तो उसके बारे में ये क्वेश्चन है। अभी सबसे बेसिक चीज आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पता होनी चाहिए वो है फंक्शंस ऑफ एचआरएम। फंक्शंस ऑफ एचआरएम मतलब क्या कि एचआर डिपार्टमेंट में क्या क्या काम होता है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिटेल में करवाने वाला हूँ, बिकॉज ये एचआरएम का बेस है। अगर आप लोगों को ये फंक्शन समझ में आ गए तो आप लोग एचआरएम का कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे फंक्शंस बताता हूँ। फंक्शंस में सबसे पहला एचआरएम का फंक्शन होता है एचआरपी। एचआरपी का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अभी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या होता है, तो एचआर मैनेजर हर एक डिपार्टमेंट में जाता है और देखता है कि उनको कितने एम्प्लॉयज चाहिए और कितने एम्प्लॉयज अवेलेबल है। जैसे कि एचआर मैनेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उनको 5 एम्प्लॉय की जरूरत है और वहां पे 7 एम्प्लॉयज अवेलेबल है, तो यहाँ पे क्या है, एक्सेस एम्प्लॉयज है, 2 एम्प्लॉयज एक्सेस है,
सो वो दो एम्प्लॉयज को वो लोग क्या करेंगे, किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट करेंगे या फिर उनको जॉब से निकाल देंगे। आजकल VRS का सिस्टम वगैरह जो होता है या CRS होता है, मतलब कंपलसरी उनको जॉब से निकाला जाता है। हर एक जन को क्या करना है, कॉस्ट कटिंग करना है इसके लिए। फिर बाद में HR मैनेजर अकाउंट डिपार्टमेंट में गया जहां पे उनको 5 एम्प्लॉय की जरूरत है और 5 एम्प्लॉयज अवेलेबल है, सो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज जितने चाहिए उतने एम्प्लॉयज अवेलेबल है। फिर HR मैनेजर सपोज सेल्स डिपार्टमेंट में गए, सेल्स डिपार्टमेंट में 5 एम्प्लॉय की जरूरत है और सिर्फ 3 एम्प्लॉयज अवेलेबल है, मतलब वहां पे क्या है, शॉर्टेज है। ओके, सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है, फाइंड आउट वेदर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर अवेलेबल और नॉट, मतलब हर एक डिपार्टमेंट में जितने चाहिए उतने एम्प्लॉयज अवेलेबल है कि नहीं, ये सबसे पहला काम होता है HR मैनेजर का। फाइन, उसके बाद में रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन होता है। नाउ रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं इसको कंफ्यूज करते हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, देखो आपके यहाँ पे वैकेंसी है, तो वैकेंसी है तो आपको क्या करना है, उस वैकेंसी के लिए एडवर्टीजमेंट देना है और एडवर्टीजमेंट को देख के फिर लोग क्या करते हैं, आपके यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जैसे कि सपोज आपके यहाँ पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, तो आप लोग क्या करोगे, उसका एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर पे या वेबसाइट के ऊपर आप लोग उसको पब्लिश करोगे और उसको देख के जो भी इंटरेस्टेड लोग रहेंगे वो अप्लाई करेंगे, उसको रिक्रूटमेंट बोलते हैं। सो रिक्रूटमेंट को इंग्लिश में कैसे याद रखना है कि यहाँ पे सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉई एंड मोटिवेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। नाउ सर्चिंग फॉर द एम्प्लॉई का मतलब क्या होता है कि आप लोग न्यूज़पेपर में ऐड देते हो, उसको रिक्रूटमेंट बोलते हैं। अभी जब लोग आपके यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आप लोग क्या करते हो, उनका इंटरव्यू कंडक्ट करते हो, मतलब उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, उनको सवाल पूछे जाते हैं, फिर उनके साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह होता है तो चेक कि उन्होंने जो रेज्यूमे में लिखा हुआ है, एप्लीकेशन में लिखा है, वो सच है कि नहीं। सो ऐसे इंटरव्यू कंडक्ट करके उसमें से जो बेस्ट कैंडिडेट होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है, उसको सिलेक्शन बोलते हैं। सो देखो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में फर्क होता है। रिक्रूटमेंट मतलब क्या, आपने एडवर्टीजमेंट दिया और एडवर्टीजमेंट को देख के लोगों ने आपके यहाँ पे अप्लाई किया, वहां पे आपका रिक्रूटमेंट खत्म हो गया। फिर बाद में सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन में क्या होता है कि आपने उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया और इनका इंटरव्यू कंडक्ट किया और उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को आपने सिलेक्ट किया, दैट इज सिलेक्शन, ये याद रखना। फिर होता है प्लेसमेंट। देखो आपने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया, अभी आपको क्या करना है, उसको राइट डिपार्टमेंट में प्लेस करना है। जैसे कि आप लोग अभी TYBCOM में हो तो आप लोगों के कॉलेज में भी कैंपस रिक्रूटमेंट होते होंगे, उसमें वो लोग आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद में वो लोग फाइंड आउट करेंगे कि आप लोग किस चीज में अच्छे हो। जैसे कि आपका अकाउंट्स बहुत अच्छा है तो वो लोग क्या करेंगे, आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में प्लेस करेंगे। आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है तो वो लोग क्या करेंगे, आपको सेल्स डिपार्टमेंट में प्लेस करेंगे। आपका बार्गेनिंग बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे से बार्गेनिंग करते हो तो आपको प्रोडक्शन परचेस डिपार्टमेंट में प्लेस किया जाएगा, बिकॉज परचेस डिपार्टमेंट में हमको ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो कम से कम दाम में हम लोग को रॉ मटेरियल जो है वो परचेस करके लाके देगा। सो जैसा कैंडिडेट होगा उसके हिसाब से उसको उस डिपार्टमेंट में प्लेस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लेसमेंट। अभी हर एक कैंडिडेट को राइट डिपार्टमेंट में प्लेस करना काफी जरूरी होता है, बिकॉज रॉन्ग डिपार्टमेंट में अगर आप उनको प्लेस करोगे तो उससे क्या हो जाएगा कि उनका वो काम उनको समझ में नहीं आएगा और वो काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो देखो HR मैनेजर ने क्या क्या किया, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किया, मतलब फाइंड आउट किया कि जितने चाहिए उतने एम्प्लॉयज है कि नहीं। फिर अगर सपोज ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज का शॉर्टेज है या अगर कोई जगह खाली है तो उसके लिए रिक्रूटमेंट किया जाता है, मतलब ऐड दिया जाता है और कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, फिर उनका इंटरव्यू लेके उसमें से कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है, फिर उनको प्लेसमेंट किया जाता है। प्लेसमेंट मतलब क्या, किसी डिपार्टमेंट में उनको प्लेस करना जहां पे वो बेस्ट सुटेबल हो सकते हैं। फिर आपको पता है कि जब आप जॉब पे जाते हो तो आप लोगों को कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, डिपेंड कि आप लोग का पोस्ट क्या है। अगर आपका कोई हायर पोस्ट होगा तो शायद तक आपको 3 महीने 6 महीने ट्रेनिंग दी जाती है, अगर कोई छोटा मोटा पोस्ट है तो 15 दिन 1 महीने का आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग के वजह से क्या होता है, तो ट्रेनिंग के वजह से आपका नॉलेज, आपका एटीट्यूड, आपके स्किल जो होते हैं वो एनहांस हो जाते हैं। आप लोग कितने भी एक्सपीरियंस्ड होने दो या कितने भी फ्रेश होने दो, ट्रेनिंग देना जरूरी होता है। ट्रेनिंग के बिना ऑर्गेनाइजेशन का काम जो होता है वो एम्प्लॉय को समझ में आता नहीं है, तो HR मैनेजर यहाँ पे एम्प्लॉयज के ट्रेनिंग के लिए अरेंजमेंट करते हैं। फिर बाद में कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयज को सैलरी वगैरह जो होता है वो कितना पे करना है, फिर बाद में उनको बोनस कितना देना है, दूसरे इंसेंटिव्स कितने देने हैं या दूसरे जो भी मॉनिटरी बेनिफिट्स है वो कितने देने हैं, वो यहाँ पे HR मैनेजर जो है वो फिक्स करते हैं। बिकॉज कोई भी एम्प्लॉय काम करता है तो कॉम्पेंसेशन के लिए करता है और प्रॉपर कॉम्पेंसेशन एम्प्लॉयज को पे करना जरूरी है। अगर आपने कॉम्पेंसेशन प्रॉपर पे नहीं किया तो एम्प्लॉय फिर मोटिवेट नहीं होंगे काम करने के लिए। फिर बाद में हर साल
एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है। अप्रेजल का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएशन। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही जनवरी मंथ आता है, फरवरी मंथ होता है, हर एक कंपनी के अंदर अप्रेजल शुरू हो जाता है। अप्रेजल मतलब क्या? वो एम्प्लॉय ने साल भर में कितना अचीवमेंट किया उसका पूरा एक रिपोर्ट बनाया जाता है, जिसको परफॉर्मेंस अप्रेजल बोला जाता है। अब ये परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों किया जाता है? तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के रिपोर्ट के बेसिस पे वो एम्प्लॉय को कितना इंक्रीमेंट देना है, प्रमोशन देना है कि नहीं, उसको ट्रेनिंग की जरूरत है क्या, ये सब पता चलता है। जैसे कि सपोज आपके कंपनी में आपके जो बॉस होंगे वो आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे, उसके बाद में उसका वो पूरा रिपोर्ट बनाएंगे कि आपके काम में कौन से स्ट्रेंथ है और कौन से वीकनेसेस है। जैसे कि आपका काम का स्पीड बहुत अच्छा है, आपका बिहेवियर काफी अच्छा है, आप पंक्चुअल हो, तो ये सब रिपोर्ट के अंदर लिखा जाएगा। लेकिन आपका काम का स्पीड जो थोड़ा सा स्लो है, या आपकी काम की क्वालिटी जो है इतनी अच्छी नहीं है, या आप हमेशा काम पे आने के लिए लेट करते हो, तो ये आपके क्या हो गए? वीकनेसेस हो गए। तो अगर सपोज आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, मतलब आपके स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, तो आपको क्या होगा? सैलरी ज्यादा बढ़ा के देंगे, आपको प्रमोशंस देंगे, ओके? और अगर सपोज आप लोगों का परफॉर्मेंस थोड़ा सा पुअर है, बहुत सारी नेगेटिव चीजें है, तो आपको फिर ट्रेनिंग देंगे, या फिर अगर सपोज कंटिन्यूअसली वो आपको वार्निंग देंगे और उसके बावजूद भी आप लोग अच्छे से परफॉर्म नहीं किए, तो आपको फिर जॉब से निकाल देंगे। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसके ऊपर से डिसाइड किया जाता है कि फ्यूचर में एम्प्लॉयज का क्या करना है। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल, अप्रेजल का मतलब होता है इवैल्यूएट करना या चेक करना। सो जो सीनियर होते हैं वो क्या करते हैं? अपने जूनियर्स का परफॉर्मेंस अप्रेज करते हैं। जैसे आपका एग्जाम है, तो आपका एग्जाम भी आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल है। देन प्रमोशन, प्रमोशन में आपको क्या याद रखना है कि प्रमोशन मतलब क्या होता है? अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट मतलब आप लोग अभी जिस पोजीशन पे हो वहां से आप हायर पोजीशन पे चले जाते हो, वहां पे आपका स्टेटस और आपका पे जो होता है वो बढ़ता है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपको प्रमोशंस वगैरह मिलेंगे, और हर एक एम्प्लॉय चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में उसको प्रमोशन मिले। जहां पे उनको प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, वहां से वो लोग क्या करते हैं? जॉब छोड़ के चले जाते हैं। सो एचआर मैनेजर को ये भी देखना है कि कौन से कैंडिडेट को प्रमोशंस देने हैं और कौन से कैंडिडेट को नहीं देना है। देन करियर डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो वो चाहते हैं कि मेरा करियर उस ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप हो, मतलब मैं एक एक लेवल ऊपर जाऊं। जैसे कि आप लोग जब ज्वाइन करोगे तभी आपको ट्रेनी बोला जाता है, फिर आप जूनियर लेवल पे आ जाओगे, फिर आप सीनियर लेवल पे आ जाओगे, फिर आप असिस्टेंट के लेवल पे आ जाओगे, और फिर बाद में आप लोग मैनेजर लेवल पे आ जाओगे। ये आपका करियर डेवलपमेंट होता है। सो आप हमेशा ट्रेनी के लेवल पे रहना पसंद नहीं करोगे या जूनियर के लेवल पे रहना पसंद नहीं करोगे, आप चाहोगे कि आपका करियर आगे बढ़े। तो एचआर मैनेजर ने क्या करना चाहिए? आपको अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज देने की वजह से क्या होगा? आपका करियर डेवलप होगा। फाइन, नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉय वेलफेयर। एम्प्लॉय वेलफेयर का मतलब क्या होता है? वेलफेयर को हम लोग बोलते हैं कल्याण या भलाई। एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए कुछ चीजें करना, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल करके देना, कैंटीन फैसिलिटी अवेलेबल करके देना, इंश्योरेंस प्रोवाइड करना एम्प्लॉयज को, या आने जाने के लिए ट्रैवलिंग की फैसिलिटी अवेलेबल करके देना। तो ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉय वेलफेयर फैसिलिटीज होती है जो एचआर मैनेजर ने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करना चाहिए, बिकॉज ये जो चीजें है ये एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो एक याद रखो, आप लोगों को ये एचआरएम के फंक्शंस अच्छे से समझ में आने चाहिए, बिकॉज कोई भी स्टूडेंट जब कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उनको यही सवाल आता है दिमाग में कि ये सब्जेक्ट के पढ़ने की वजह से हमको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये सब्जेक्ट पढ़ने की वजह से आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है कि एचआर डिपार्टमेंट में क्या काम होता है वो आपको समझ में आएगा। नहीं तो फिर हमको सिर्फ अभी तक क्या लगता था कि एचआर डिपार्टमेंट मतलब जो एम्प्लॉयज का ख्याल रखते हैं, तो एम्प्लॉयज का ख्याल रखते हैं मतलब क्या करते हैं? तो ये सब चीजें एम्प्लॉयज के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज ये क्वेश्चन जो है वो पूरे आपके एचआरएम का बेस है। ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो बाकी सब क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आएंगे। सो ये पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है, इसके बेसिस पे आपका ये क्वेश्चन है। मैं आपको बता रहा था कि इफेक्टिव एचआरएम करने की वजह से अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट मैन पावर होता है, इफेक्टिव यूज ऑफ मैन पावर होता है, मोटिवेशन होता है, मोरल होता है। तो इफेक्टिव एचआरएम का मतलब क्या होता है? तो इफेक्टिव एचआरएम मतलब आप ये सब चीजें सही तरीके से करते हो। अगर सपोज आप एचआरपी नहीं करोगे, प्रॉपर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन नहीं करोगे, मतलब किसको भी जॉब पे लोगे, कि कहीं पे भी एम्प्लॉय को प्लेस कर दोगे, उनको ट्रेनिंग नहीं दोगे, तो ऑब्वियसली ये सब चीजें नहीं होने वाली है। मतलब ना आपको अच्छे एम्प्लॉयज मिलेंगे, ना आपके एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे, ना आपके कंपनी की इमेज अच्छी होगी। सो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप लोगों को क्या करना है, जब इसका एक्सप्लेनेशन लिखोगे तो यही चीजें लिखनी है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट मैन पावर।
मतलब सही तरीके से एचआरएम करोगे, इफेक्टिव एचआरएम करोगे तो आपके पास कॉम्पिटेंट मैन पावर अवेलेबल होगी। बिकॉज इसमें आपको क्या लिखना है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली एचआरपी करती है, रिक्रूटमेंट करती है, सिलेक्शन करती है, प्लेसमेंट करती है, जिसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटेंट मैन पावर अवेलेबल होते हैं। इफेक्टिव यूज ऑफ मैन पावर सेम आप लोग इसमें से लिखोगे कि यहाँ पे राइट कैंडिडेट को राइट डिपार्टमेंट में प्लेस किया जाता है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है, एंड देयरफॉर द ऑर्गेनाइजेशन कैन मेक इफेक्टिव यूज ऑफ मैन पावर। मोटिवेशन में आप क्या लिखोगे कि एम्प्लॉयज को कॉम्पेंसेशन पे किया जाता है, प्रमोशंस दिए जाते हैं, करियर डेवलपमेंट, एम्प्लॉय वेलफेयर किया जाता है, जिससे एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं। सो ये दो क्वेश्चन आपको पढ़ने ही है और ये दो क्वेश्चन जो एक दूसरे से रिलेटेड है। देन थर्ड इज ट्रेडिशनल एचआरएम वर्सेस स्ट्रेटेजिक एचआरएम। पहले तो दोनों का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडिशनल एचआरएम का मतलब क्या होता है कि जहां पे एम्प्लॉयज को जॉब पे लिया जाता है और उन्होंने जितना काम किया उतना उनको कॉम्पेंसेशन पे किया जाता है। मतलब आप आओ मेरे यहाँ पे काम करो, आप जितना काम करोगे उतना आपको मैं सैलरी पे करूंगा, बाकी आपको कोई भी वेलफेयर फैसिलिटी, प्रमोशन, करियर डेवलपमेंट ये सब चीजें यहाँ पे नहीं होती है। मीन्स यू वर्क फॉर मी और यू विल गेट द कॉम्पेंसेशन फॉर योर वर्क, दैट्स ऑल। स्ट्रेटेजिक एचआरएम थोड़ा अलग होता है। स्ट्रेटेजिक एचआरएम में क्या होता है कि आप लोग को यहाँ पे जॉब पे लिया जाता है, उसके लिए आपको कॉम्पेंसेशन भी पे किया जाता है, प्लस यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, आपको प्रमोशंस मिलेंगे, करियर डेवलपमेंट होगा, आपको वेलफेयर फैसिलिटीज दी जाएगी, उसको स्ट्रेटेजिक एचआरएम बोला जाता है। सो ट्रेडिशनल एचआरएम और स्ट्रेटेजिक एचआरएम में फर्क इतना ही होता है कि यहाँ पे एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा फैसिलिटीज वगैरह नहीं प्रोवाइड की जाती है, जस्ट यहाँ पे क्या होता है कि आप काम करो और उसके बदले में आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा। स्ट्रेटेजिक एचआरएम में आप लोगों को कॉम्पेंसेशन के अलावा बहुत सारी दूसरी चीजें भी अवेलेबल करके दी जाती है। सो आप लोगों को इसका डिस्टिंग्विश आएगा। तो एक ही सिंपल फंडा याद रखना, ट्रेडिशनल एचआरएम में सब आप लोगों को नेगेटिव ही लिखना है कि नहीं होता है करके चीजें, और स्ट्रेटेजिक एचआरएम में सब आपको पॉजिटिव ही लिखना है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, एचआरपी। अभी यहाँ पे आप लोग क्या क्या करना है, ये क्वेश्चन के लिए यही पॉइंट्स यूज करने हैं। एचआरपी में आप लोग क्या लिखोगे, सपोज आपने पॉइंट लिखा दोनों के डिस्टिंग्विश के लिए एचआरपी, तो ट्रेडिशनल एचआरएम के अंदर प्रॉपर एचआरपी नहीं करते थे, मतलब कितने एम्प्लॉयज है कितने एम्प्लॉयज नहीं है ये सब चीजों पे ध्यान नहीं देते थे, तो वो लिखना है आपको। स्ट्रेटेजिक एचआरएम में क्या होता है, टाइम टू टाइम एचआरपी किया जाता था, मतलब हर 3 महीने में 6 महीने में वो लोग क्या करते थे, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं, ऐसे आपको लिखना है। मतलब इन शॉर्ट ट्रेडिशनल एचआरएम में सब नेगेटिव लिखना है और स्ट्रेटेजिक एचआरएम में सब पॉजिटिव लिखना है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेडिशनल एचआरएम में साइंटिफिक सिलेक्शन नहीं करते थे। साइंटिफिक सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, उन लोगों के टेस्ट कंडक्ट करना, फिर उन लोगों के इंटरव्यू के 2-3 राउंड कंडक्ट करना और उसके थ्रू कैंडिडेट को सिलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड अ साइंटिफिक सिलेक्शन। सो ट्रेडिशनल एचआरएम में साइंटिफिक सिलेक्शन नहीं होता था, स्ट्रेटेजिक एचआरएम में प्रॉपर साइंटिफिक सिलेक्शन किया जाता था एम्प्लॉयज का। देन प्लेसमेंट, ट्रेडिशनल एचआरएम में एम्प्लॉयज को कहीं पे भी प्लेस किया जाता था, स्ट्रेटेजिक एचआरएम में एम्प्लॉयज के स्किल के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको प्लेस किया जाता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेडिशनल एचआरएम में ऐसा माना जाता था कि एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, एंड दे विल मैनेज द वर्क बाय देमसेल्व्स, मतलब वो लोग काम करते करते काम को सीखेंगे, ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ऐसा कंसिडर किया जाता था। स्ट्रेटेजिक एचआरएम में एम्प्लॉयज का प्रॉपर ट्रेनिंग सेशंस वगैरह कंडक्ट किए जाते थे और उनके नीड के हिसाब से उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये तीनों क्वेश्चन जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है और तीनों क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, बिकॉज इसमें से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आने वाला है। तो ये आप लोग क्वेश्चन पढ़ना। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आप लोगों को डिटेल में इसके लिए बताया बिकॉज बेसिक आपको समझ में आना चाहिए, बेसिक अगर समझ में आएगा तो आगे आप लोगों को फिर ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये 3 क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ये तीनों में से आपको क्वेश्चन नंबर 2A में क्वेश्चन आएगा। देन नेक्स्ट वन इज एचआरपी। अभी देखो मैंने आपको क्या बोला, ये अगर आप लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो आपका पूरा एचआरएम सब्जेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन ही एचआरपी आ गया। एचआरपी में आपको क्या करना है, ये जो एचआरपी का मीनिंग है वो अच्छे से पढ़ना है। एचआरपी मतलब क्या बोला मैंने आपको, फाइंड आउट वेदर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, मतलब कंपनी में जितने चाहिए उतने एम्प्लॉयज अवेलेबल है कि नहीं, वो फाइंड आउट करना। सो यहाँ पे कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो ये डायग्राम आप लोगों को अच्छे से थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने थोड़ा ऊपर ऊपर पढ़ा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसको थोड़ा सा आप लोग देख के जाना। देन जॉब एनालिसिस, जॉब एनालिसिस को आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, जस्ट मीनिंग पढ़ के जाना। इसमें ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में शॉर्ट में आपको मैं बताता हूँ।
सबसे पहले जॉब एनालिसिस होता क्या है। जॉब एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जॉब के डिटेल कलेक्ट करना। अभी आप लोग बोलोगे जॉब के डिटेल क्यों कलेक्ट किए जाते हैं, तो मैंने आपको क्या बोला कि एचआर मैनेजर सबसे पहले एचआरपी करते हैं। एचआरपी से उनको पता चलता है कि कहाँ पे वैकेंसी है, कौन से डिपार्टमेंट में जगह खाली है, फिर जिस डिपार्टमेंट में जगह खाली होगी उस डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है एचआर मैनेजर के द्वारा। जैसे कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी है, तो वो उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। मतलब वहां के लिए कैसा कैंडिडेट लगेगा, बीकॉम होना चाहिए, एमकॉम होना चाहिए, उसको टैली आना चाहिए, दूसरा सॉफ्टवेयर आना चाहिए, फिर उसको जीएसटी कैलकुलेशन आना चाहिए, टैक्स कैलकुलेशन आना चाहिए, फाइनलाइजेशन आना चाहिए। तो ऐसा सब डिटेल आप लोग कलेक्ट करोगे, बिकॉज क्या होता है कि आप लोग डिटेल कलेक्ट करके उसके हिसाब से एडवर्टीजमेंट देते हो। आप लोगों ने अगर कभी जॉब का एडवर्टीजमेंट देखा होगा तो उसके अंदर क्लियरली लिखा रहता है कि वी रिक्वायर बीकॉम कैंडिडेट हु इज हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 4 years एंड हु शुड नो द फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स एंड शुड हैव द नॉलेज ऑफ टैली और बेसिक कंप्यूटर और एक्सेल, ऐसे लिखा रहता है। तो वो एडवर्टीजमेंट बनाने के लिए आप लोगों को जॉब एनालिसिस करना पड़ता है। जॉब एनालिसिस मतलब क्या, जो आपके यहाँ पे पोजीशन खाली है उस पोजीशन की डिटेल कलेक्ट करना। अब ये डिटेल दो हिस्सों में कलेक्ट की जाती है, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, डिटेल ऑफ द जॉब, जैसे कि जॉब कहाँ पे होगा, जॉब में क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, कौन सी मशीन आपको हैंडल करनी है, आपका किसको रिपोर्टिंग करना है, तो वो सब जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा एड के अंदर कि आपका जॉब जो होगा वो बैंगलोर में होगा या दिल्ली में होगा, आपको टैली आना चाहिए, आपको 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसको जॉब डिस्क्रिप्शन बोला जाता है। जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब डिटेल ऑफ द जॉब। जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब डिटेल ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट कैसा होना चाहिए। ओके, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बीकॉम होना चाहिए या उसको 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर बाद में उसका फिजिकल फिटनेस कैसे होना चाहिए, जैसे सिक्योरिटी का जॉब वगैरह होता है तो उसमें फिजिकल फिटनेस के बारे में वगैरह होता है, उसका एनालिटिकल पावर कैसा होना चाहिए, तो वो सब एडवर्टीजमेंट में आपको लिखने पड़ता है और इसको ही बोला जाता है जॉब स्पेसिफिकेशन। सो ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, तो याद रखना जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब डिटेल ऑफ द जॉब और जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब डिटेल ऑफ द कैंडिडेट, कैसा कैंडिडेट आपको जॉब के लिए चाहिए। बाकी ये क्वेश्चन को आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, जस्ट जॉब एनालिसिस क्या होता है, तो डिटेल ऑफ द जॉब। जॉब एनालिसिस दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, और दोनों का मीनिंग याद रखो। इसके लिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है ग्रीन से। देन कम्स इज योर रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट ये जो है वो आपको डिटेल में पढ़ना है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 2C में आएगा। देखो मैंने आपको क्या बोला, ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2A में आएगा, ओके, बी आप लोग स्किप कर सकते हो, और सी में आप लोगों को रिक्रूटमेंट का क्वेश्चन आएगा। अभी इसमें आपको क्या क्वेश्चन है, तो सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट मतलब आप लोग कहां से एम्प्लॉइज की भर्ती करते हो। सो इंटरनल सोर्सेस होते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेस होते हैं। इंटरनल सोर्सेस मतलब क्या, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और एक्सटर्नल सोर्सेस का मतलब क्या होता है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एक दो मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। पहले तो मैंने आपको रिक्रूटमेंट क्या होता है वो बताया कि रिक्रूटमेंट में आप लोग क्या करते हो, एडवर्टीजमेंट देते हो, और एडवर्टीजमेंट देने के बाद में कैंडिडेट आपके यहाँ पे अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट आप लोग इंटरनल तरीके से कर सकते हो, मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे प्रमोशन है। फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे कोई एक असिस्टेंट मैनेजर है और आपके यहाँ का मैनेजर का पोजिशन खाली हो चुका है, तो आप क्या कर सकते हो, असिस्टेंट मैनेजर को प्रमोशन दे सकते हो मैनेजर लेवल के लिए, तो आपका क्या हो गया, इंटरनल रिक्रूटमेंट हो गया। फिर ट्रांसफर, जैसे कि आपके यहाँ पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 2 employees एक्स्ट्रा है, तो आपने उनको क्या कर दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया, तो आपका क्या हो गया, इंटरनल रिक्रूटमेंट हो गया। इंटरनल एड, आपने कंपनी के नोटिस बोर्ड पे एक एड लगाया और इन्फॉर्म किया कि अपने यहाँ पे ये पर्टिकुलर पोजिशन खाली है, अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो अप्लाई कर सकता है। आपने न्यूज़पेपर में ऐड नहीं दिया, कंपनी के नोटिस बोर्ड पे ऐड दिया है ताकि कंपनी के एम्प्लॉयज को पता चले, और अगर कोई अप्लाई करना चाहता होगा तो अप्लाई कर सकता है। ओके, सो ये भी आपका क्या हो गया, इंटरनल सोर्स हो गया। रिटायर्ड मैनेजर, आपका कोई मैनेजर रिटायर्ड हो चुका है, आपने उसको क्या कर दिया, वापस से जॉब के लिए बुला लिया, दैट इज रिटायर्ड मैनेजर, इंटरनल सोर्स हो गया वो भी आपका। सो इंटरनल सोर्सेस में आपको क्या लिखना है कि कंपनी के अंदर से ही एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया जाता है। फिर एक्सटर्नल सोर्सेस में देखो, पहला है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट मतलब क्या कि आप लोग न्यूज़पेपर वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट देते हो, उसको देख के लोग आपके यहाँ पे अप्लाई करते हैं।
कैंपस रिक्रूटमेंट मतलब आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, आपके कॉलेज में कंपनी आती है और फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए कैंपस रिक्रूटमेंट किया जाता है, वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करके आपको, तो ये भी एक्सटर्नल सोर्स होता है। देन रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट, रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट का मतलब क्या होता है कि फैक्ट्री गेट के बाहर एड लगाया जाता है कि सो एंड सो गाला के अंदर एम्प्लॉय की जरूरत है करके, तो उससे भी यहाँ पे क्या किया जाता है, एक्सटर्नल सोर्स से एम्प्लॉय को रिक्रूट किया जाता है। सो ये आपके इंटरनल सोर्सेस है, ये एक्सटर्नल सोर्सेस है, कोई भी चार चार पॉइंट आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर के लिए पढ़ना है। देन जॉब डिजाइन, ये आप लोगों को जस्ट पढ़ के जाना है, इसके ऊपर आपको कोई लॉन्ग आंसर नहीं आने वाला है। स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसेस, ये आप लोगों को लॉन्ग आंसर के लिए क्वेश्चन नंबर 2C में आ सकता है। सो देखो क्वेश्चन नंबर 2C में आपको या तो रिक्रूटमेंट के ऊपर क्वेश्चन आएगा या तो सिलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आएगा। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग अभी नेक्स्ट ईयर, अभी कुछ महीनों के बाद में आप लोग ये एक्सपीरियंस करने वाले हो, आप लोग जॉब के लिए जाते हो तो क्या क्या स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले कंपनी जॉब एनालिसिस करती है, जो मैंने आपको ऊपर बताया, जॉब डिस्क्रिप्शन और एनालिसिस करती है कंपनी और एडवर्टीजमेंट देती है। एडवर्टीजमेंट को देख के आप लोग क्या करते हो, कंपनी में अप्लाई करते हो, एप्लीकेशन ब्लैंक मतलब कंपनी का एप्लीकेशन फॉर्म आप भरते हो। फिर बाद में आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, टेस्ट मतलब कि आपका एक रिटर्न टेस्ट लिया जाता है। कुछ कंपनीज रिटर्न टेस्ट कंडक्ट करती है, कुछ कंपनी रिटर्न टेस्ट कंडक्ट नहीं करती है। सपोज एक कोई पोजिशन है, अकाउंटेंट की पोजिशन है और 1000 एम्प्लॉयज ने उसके लिए अप्लाई किया, अभी 1000 लोगों का इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं होता है, तो कंपनी क्या करती है, एक छोटा सा टेस्ट लेती है और टेस्ट में जो पास होते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और जो पास नहीं होते उनको फिर साइडलाइन किया जाता है। सो बहुत सारी कंपनीज टेस्ट कंडक्ट करती है जब बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, या अगर एम्प्लॉयज की स्किल्स आपको फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। फिर बाद में इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, इंटरव्यू मतलब क्या होता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है इंटरव्यूअर और इंटरव्यूवी के बीच में। फिर रेफरेंस चेक किया जाता है, रेफरेंस चेक का मतलब क्या होता है, आप लोग जो भी इंटरव्यू में बोलते हो उसको क्रॉस चेक किया जाता है, उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, आपके पास से 2 लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर मांगते हैं। ओके, तो मोस्टली आप लोग देखना, आप लोग नेक्स्ट डे जहां पे भी जॉब के लिए जाओगे तो वो लोग आपको पूछेंगे कि आपके टीचर्स का कॉन्टेक्ट नंबर दे दो या ईमेल आईडी दे दो करके, फिर वो आपके टीचर्स को कॉल करेंगे या ईमेल करेंगे और पूछेंगे कि ये आपका कैंडिडेट है, इसका बिहेवियर कैसा है। ओके, उसको रेफरेंस चेक बोला जाता है, क्योंकि क्या होता है काफी बार एम्प्लॉयज झूठ बोलते हैं, मतलब पहले कंपनी में उन्होंने कोई फ्रॉड किया था और वहां से उनको जॉब से निकाला था और दूसरे जगह पे अप्लाई करते हैं और वहां पे झूठ बोलते हैं कि कंपनी शिफ्ट हो गई या कुछ और प्रॉब्लम बोलते हैं और यहाँ पे ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। सो कोई भी एम्प्लॉयर यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहता, इसके लिए आपका रेफरेंस चेक किया जाता है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है या आपने जो भी बोला है वो सच है कि नहीं। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है कि आप लोग मेडिकली फिट हो कि नहीं। आपको फिर अगर सपोज आपने ये सब पास किया, रिटर्न टेस्ट, इंटरव्यू, रेफरेंस चेक, मेडिकल एग्जामिनेशन, तो आपको जॉब ऑफर किया जाता है। फिर आप जॉब को या तो एक्सेप्ट करोगे या तो रिजेक्ट करोगे, अगर एक्सेप्ट किया तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। तो ये पूरे स्टेप्स, कुछ आप लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट दिमाग लगाओ कि क्या क्या स्टेप्स होते होंगे, आप 2-3 बार वीडियो को अगर सुनोगे तो भी आप लोगों को ये समझ में आएगा। सो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2C के लिए पढ़ना है। फिर ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को शॉर्ट नोट के लिए आ सकता है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। ये क्वेश्चन क्या है, ई सिलेक्शन। ई सिलेक्शन का मतलब क्या, आजकल आप लोगों को पता है सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, सो ऑब्वियसली रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन भी ऑनलाइन हो रहा है, मतलब कंपनीज एडवर्टीजमेंट भी ऑनलाइन देते हैं उनके वेबसाइट के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, आप लोग अप्लाई भी ऑनलाइन ही करते हो। फिर कंपनी आपका स्क्रीनिंग मतलब क्या, आप अगर इंटरव्यू के लिए फिट हो कि नहीं या पोजिशन के लिए फिट हो कि नहीं, वो स्क्रीनिंग भी ऑनलाइन ही किया जाता है, इंटरव्यू भी ऑनलाइन ही किया जाता है। फिर बाद में आजकल आपको पता है गूगल में आप लोगों को सिर्फ टाइप करना होता है और आपको अलग अलग जगह की वैकेंसीज के एडवर्टीजमेंट जो होते हैं गूगल में मिल जाती है। सो एवरीथिंग हैज बिकम ऑनलाइन। सो आपको वही पॉइंट्स लिखने हैं यहाँ पे कि ऑनलाइन रेज्यूमे, मतलब ऑनलाइन आप लोग आपका रेज्यूमे भेज सकते हो, आपका ऑनलाइन असेसमेंट किया जा सकता है, आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, सोशल मीडिया को यूज किया जाता है एडवर्टीजमेंट को पब्लिश करने के लिए, आपके टेस्ट भी ऑनलाइन कंडक्ट किए जाते हैं, जॉब भी ऑनलाइन सर्च किया जा सकता है। सो इसको ई सिलेक्शन बोला जाता है। तो ऑनलाइन किस तरीके से रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन होता है वो आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे पॉइंट्स लिखने हैं और उसको एक्सप्लेन करना है, और ये इसके बारे में आपको पता नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, बिकॉज आप लोग सब जो है वो कंप्यूटर के जमाने में हो तो आप लोगों को ये सब चीजें अच्छे से पता है, आप लोगों ने ये सब चीजें स्टार्ट भी की होगी। तो ये आपको शॉर्ट नोट के लिए आएगा। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स के लिए वगैरह आ सकता है, तो थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आप लोगों को ये बताता हूँ।
जॉब डिजाइन के अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, जॉब सिंप्लीफिकेशन। जॉब सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, जॉब को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और अलग अलग एम्प्लॉयज को जॉब बांट के दिया जाता है। जैसे कि सपोज अकाउंट्स का जॉब है, तो अकाउंट्स के जॉब में हम लोग क्या करेंगे, जॉब को डिवाइड करेंगे। एक पर्सन जो है जीएसटी का काम देखेगा, एक पर्सन पेटी कैश का काम देखेगा, दूसरा पर्सन जो है वो फिर सपोज ये डेटा एंट्री का काम करेगा, फिर बाद में तीसरा पर्सन जो फोर्थ पर्सन जो है दूसरा कुछ काम करेगा। तो हमने क्या किया, काम को डिवाइड किया और हर एक एम्प्लॉयज को वो हम लोग ने क्या किया, असाइन किया। अभी वो एम्प्लॉय को वही काम करते रहना है, जैसे जो वाउचर एंट्रीज करता था उसको वाउचर एंट्री करना है, जो जीएसटी कैलकुलेशन करता था उसको जीएसटी कैलकुलेशन ही करना है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज को काम बांटा जाता है और वो काम ही एम्प्लॉयज को करना है, बाकी उनको नया कोई काम नहीं दिया जाता है। सो एम्प्लॉयज सेम काम करते रहते हैं, इसके लिए इसको जॉब सिंप्लीफिकेशन बोला जाता है। जॉब रोटेशन, जॉब रोटेशन मतलब क्या होता है, इसके अपोजिट है ये। जॉब रोटेशन में क्या होता है, आपको अलग अलग काम पे शिफ्ट किया जाता है। जैसे आप लोग बैंक में देखते हो, बैंक में हमेशा कैशियर चेंज होते रहता है, पासबुक एंट्री वाला हमेशा चेंज होते रहता है, लोन डिपार्टमेंट में हमेशा लोग चेंज होते रहते हैं। तो जॉब रोटेशन में क्या होता है, आप लोगों का काम जो होता है वो शिफ्ट होते रहता है। पहले आप लोग एक डिपार्टमेंट में काम करोगे, फिर कुछ महीनों के बाद में आपको नेक्स्ट डिपार्टमेंट में, फिर वापस से नेक्स्ट डिपार्टमेंट में। ऐसा क्यों किया जाता है, बिकॉज आपको सारे काम समझ में आने चाहिए, इसके लिए आप लोगों का जॉब रोटेशन किया जाता है। सो सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, आप लोगों को सेम काम करना होता है, और जॉब रोटेशन में आपको अलग अलग काम असाइन किए जाते हैं, आपका ट्रांसफर किया जाता है यहाँ पे। फिर जॉब एनलार्जमेंट और एनरिचमेंट, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जॉब एनलार्जमेंट का मतलब क्या होता है कि आप लोगों को एडिशनल काम दिया जाता है, लेकिन वो काम कैसा होता है, सेम लेवल का होता है, हॉरिजॉन्टल। मतलब जैसे कि सपोज कोई रिसेप्शनिस्ट है, तो रिसेप्शनिस्ट पहले क्या काम करती थी, तो जो भी फोन कॉल्स वगैरह आते थे उसको अटेंड करती थी और वो ट्रांसफर करने का काम करती थी। अभी आपने रिसेप्शनिस्ट को क्या बोला कि जो भी अपने डेटर्स है उनको कॉल करो और उनके पास से पेमेंट का फॉलो अप करो। तो देखो, आपने रिसेप्शनिस्ट को एडिशनल काम दिया कि डेटर्स को काम फोन करना है, लेकिन वो काम कैसा है, सेम लेवल का है, आपने उसको हायर लेवल का काम नहीं दिया है। दैट इज जॉब एनलार्जमेंट। इसको हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, सेम लेवल का काम। जॉब एनरिचमेंट थोड़ा अपोजिट होता है, यहाँ पे आप लोग हायर लेवल का काम देते हो। जैसे कि सपोज कोई असिस्टेंट है, असिस्टेंट को आपने क्या बोला कि मीटिंग बुलाओ, या कोई प्रोजेक्ट अभी तुम ही हैंडल करो, या कोई डिसीजन मेकिंग है तो वो तुम ही मैनेज करो, तो आपने यहाँ पे उसको हायर लेवल का काम करने के लिए बोला है, दैट इज एनरिचमेंट। सो दोनों में आपको एडिशनल काम मिला है, इसका फर्क इतना है कि यहाँ पे आप लोग सेम लेवल का काम कर रहे हो, यहाँ पे आप लोग हायर लेवल का काम कर रहे हो। एंड देन जॉब फ्लेक्सिबिलिटी, जॉब फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या, यहाँ पे आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, आप लोग डिसाइड करो काम को किस तरीके से करना है, आप लोग जॉब के डेडलाइंस डिसाइड करो, आप लोग जॉब के ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो, एवरीथिंग यू डिसाइड, ओनली थिंग इज आपका काम जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, दैट इज जॉब फ्लेक्सिबिलिटी। और आजकल हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। सो ये टेक्निक्स को थोड़ा सा आप लोग याद रखना। तो देखो, यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो खत्म होता है। फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा मैंने ज्यादा आप लोगों को एक्सप्लेन किया, बिकॉज आप लोगों को थोड़ा वो समझ में आना चाहिए। और दूसरी चीज, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि हर एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, बिकॉज हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं पे आपको दिखाई देगा। तो अगर आप लोगों ने इंपॉर्टेंस पढ़ा और फंक्शंस नहीं पढ़ा, और फंक्शंस के ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आए, तो आप लोग फिर उसको आंसर नहीं कर पाओगे। सो थोड़ा थोड़ा सबको आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना है। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो ऐसे है जो दिमाग के ऊपर डिपेंड है, आप लोग अगर थोड़ा सा लॉजिक यूज करोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। वापस से पहले चैप्टर के बारे में बताता हूं आप लोगों को, ये तीन क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ने हैं, जिसमें से ये क्वेश्चन आप लोगों के सेम पॉइंट्स होंगे, और कैसे लिखना हो मैंने आपको बताया। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग पीछे थोड़ा सा वीडियो को लेके जाना और वहां पे आप लोग उसको समझ लेना। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2A में आएगा। फिर बाद में रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2C में आने के चांसेस है, और ई सिलेक्शन जो आप लोगों को शॉर्ट नोट में आएगा, और बाकी ये जो जॉब डिजाइन है, जॉब एनालिसिस है, HRPA, ये आप लोगों को कहीं पे ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना आपको। नाउ वी विल गो टू द सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में आप लोगों को परफॉर्मेंस अप्रेजल और ट्रेनिंग, ये दो टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने हैं। अभी इसमें कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेनिफिट्स आपको पढ़ने हैं, लिमिटेशंस आपको पढ़ने हैं, और मेथड्स अच्छे से पढ़ने हैं, इसमें से आपको क्वेश्चन आएगा। और ट्रेनिंग में आपको क्या पढ़ना है, तो ट्रेनिंग में आप लोगों को ट्रेनिंग के मेथड्स पढ़ने हैं, और ट्रेनिंग का इफेक्टिवनेस कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। मतलब टोटल 5 क्वेश्चन आपको ये सेकंड चैप्टर में अच्छे से पढ़ने हैं। इसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन आएंगे, और आपको
वहां पे दो क्वेश्चन से अटेम्प्ट करने, थर्ड क्वेश्चन को आपको स्किप करना है। अगर इसके बारे में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, जैसे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है ये हालो इफेक्ट क्या होता है, हॉर्न इफेक्ट क्या होता है, या चेकलिस्ट मेथड क्या होता है, रोल एनालिसिस क्या होता है, तो मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे डिटेल वीडियो मिलेंगे जहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट जो है वो डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किए विद एग्जांपल्स और इजी लैंग्वेज में। सो दो बार भी अच्छे से समझ लोगे और नोट डाउन करके रखोगे तो आप लोगों को वो एग्जाम में लिखने के लिए हेल्पफुल होगा। मैंने यहाँ पे ज्यादा पॉइंट्स दिए हैं, आप लोग उसको कट शॉर्ट करके लिख सकते हो। जैसे लिमिटेशन में मैंने 10 पॉइंट दिए हैं, तो कोई भी 7 पॉइंट आप लोग अच्छे से पढ़ के जाओ। यहाँ पे मैंने टोटल 10 पॉइंट्स दिए हैं, इसके 5 और इसके 5, आप लोग कोई भी 4-4 पॉइंट्स करके जाओगे तो भी चलेगा। फिर यहाँ पे जॉब ट्रेनिंग के मेथड्स मैंने काफी सारे यहाँ पे दिए, 16 दिए, तो कोई भी 4-4 करके जाओगे तो चलेगा, लेकिन सब लोग सबको एटलीस्ट सुन के जाओ, बिकॉज कहीं पे ऑब्जेक्टिव में आ गया तो यू कैन आंसर दैट। सो सेकेंड चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, आप लोगों को परफॉर्मेंस अप्रेजल टॉपिक अच्छे से पढ़ना है जिसमें 3 क्वेश्चन है, और ट्रेनिंग का टॉपिक अच्छे से पढ़ना है जिसमें आप लोगों को 2 क्वेश्चन बने बोले। बाकी के जो टॉपिक्स है उसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा हिंट देता हूँ। आप लोग अगर ये टॉपिक्स देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को सेकेंड चैप्टर में इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स, नीड ये बहुत ज्यादा पूछा है, तो मैंने क्या किया इसके लिए कॉमन पॉइंट्स निकाले हैं। कॉमन पॉइंट्स क्या है, तो कॉर्पोरेट इमेज, आप लोग चाहिए तो इसको नोट डाउन करके ले लो। सेकेंड चैप्टर के लिए बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स है जो आप लोग लिख सकते हो, इनकेस अगर सपोज कोई आप लोगों का क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट हो पा रहा है तो आप लोग ये लिख सकते हो। सो पहला कॉमन पॉइंट है कॉर्पोरेट इमेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय मोरल, टीम वर्क, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये कॉमन पॉइंट्स है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 में कोई भी इंपॉर्टेंस अगर पूछा तो आप लोग ये पॉइंट्स लिख सकते हो, जैसे मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। सेकेंड चैप्टर के अंदर आप लोगों को देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेनिफिट्स पूछे हैं, मतलब ही इंपॉर्टेंस, तो आप लोग वो कॉमन पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हो। फिर आप लोगों को यहाँ पे पोटेंशियल अप्रेजल की इंपॉर्टेंस पूछे तो आप लोग सेम पॉइंट्स लिख सकते हो। सक्सेशन प्लानिंग के नीड पूछे, नीड मतलब क्या होता है, उसकी जरूरत है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो भी आप लोग यहाँ पे कॉमन पॉइंट्स लिख सकते हो। करियर प्लानिंग के आपको इंपॉर्टेंस पूछे हुए तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। मेंटोरिंग के इंपॉर्टेंस पूछे तो वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। मतलब देखो यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे आपको नीड, इंपॉर्टेंस या बेनिफिट पूछे हैं, और ये कॉमन पॉइंट्स आप लोग वहां पे लिख सकते हो। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ पे देता हूँ। परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में आपको क्वेश्चन आया कि बेनिफिट्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो मैंने आपको क्या बोला है कि कॉमन पॉइंट्स क्या क्या है, तो कॉर्पोरेट इमेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस एक्सेट्रा। यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, जैसे कि मैंने पहला पॉइंट लिखा कॉर्पोरेट इमेज। अभी परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है आपको पता है, बिकॉज मैंने फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को बताया जब फंक्शंस का क्वेश्चन करा रहा था। एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस चेक किया जाता है और उसके बेसिस पे एम्प्लॉयज के स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है फाइंड आउट किए जाते हैं, और इसके वजह से क्या होता है एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस जो होता है इंप्रूव होने में हेल्प होता है। सो जब एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन की कॉर्पोरेट इमेज जो अच्छी हो जाती है, फिर ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेस है उसका यूज अच्छे से हो जाता है, बिकॉज कोई भी रिसोर्सेस को यहाँ पे वेस्टेज नहीं करेंगे, बिकॉज रिसोर्सेस को वेस्टेज करोगे तो आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल का रिपोर्ट जो होगा उसके अंदर उसको मेंशन किया जाएगा। फिर आपके ऑब्जेक्टिव जो है जैसे प्रॉफिटेबिलिटी है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, वो अचीव करने में आपको हेल्प होगा। सो रिमेंबर वन थिंग कि ये कॉमन पॉइंट्स आप लोगों को अगर कुछ भी नहीं आ रहा है या जो भी आपको प्रॉब्लम्स वगैरह अगर हो रहा है तो आप लोग ये कॉमन पॉइंट्स को वहां पे लिख सकते हो। तो एक पेज के ऊपर आपको क्या करना है, सेकेंड मॉड्यूल के अंदर अगर कोई भी इंपॉर्टेंस पूछा है, कोई भी बेनिफिट्स पूछा है, नीड पूछा है, तो इसमें से आप लोग कॉमन पॉइंट्स वहां पे लिख सकते हो। थोड़ा सा मैं आप लोगों को अभी सेकेंड चैप्टर के बारे में भी कॉन्सेप्ट्स के बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ। परफॉर्मेंस अप्रेजल मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है और उनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस फाइंड आउट किए जाते हैं, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। और ये करना काफी जरूरी है बिकॉज एम्प्लॉय कैसे परफॉर्म कर रहा है वो आपको इससे पता चलता है। ट्रेनिंग मतलब मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग क्या होता है, प्लांड प्रोग्राम होता है। प्लांड प्रोग्राम मतलब क्या, यहाँ पे सब कुछ डिसाइड किया जाता है कि एम्प्लॉय को क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, कौन से एम्प्लॉयज की क्या जरूरत है, ये सब प्लान किया जाता है और उसके हिसाब से यहाँ पे एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जाता है। ट्रेनिंग की वजह से एम्प्लॉय की 4 चीजें इंप्रूव होती है, एक तो उनका नॉलेज, दूसरा उनके स्किल्स, थर्ड एटीट्यूड और फोर्थ है सोशल बिहेवियर। ओके, सो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, ट्रेनिंग इज अ प्लांड प्रोग्राम विच इज अंडरटेकन टू इम्प्रूव नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड सोशल बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज। सो ट्रेनिंग आपको पता है, और जनरल भी आप लोग ट्रेनिंग क्या होता है वो लिख सकते हो। ये सारे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाता हूँ।
सबसे पहले है आपका यहाँ पे पोटेंशियल अप्रेजल। और पोटेंशियल अप्रेजल, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी। यहाँ पे आप लोग जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हो वैसे पोटेंशियल अप्रेजल करना भी जरूरी होता है। जैसे कि सपोज आपको किसी एम्प्लॉय को कोई काम असाइन करना है, कोई प्रोजेक्ट उनको देना है, तो पहले आप लोग उसका पोटेंशियल अप्रेजल करोगे। पोटेंशियल अप्रेजल से आपको पता चलेगा कि वो एम्प्लॉय वो काम को हैंडल कर पाएगा कि नहीं। सो पोटेंशियल अप्रेजल मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय की जो कैपेसिटी होती है वो उसको इवेल्युएट किया जाता है। नेक्स्ट इज सक्सेशन प्लानिंग। क्या होता है सक्सेशन प्लानिंग? मतलब क्या होता है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पोजीशन खाली होती है, स्पेशली जो हायर लेवल की पोजीशन, उसके लिए आप लोगों को क्या करना है? पहले से प्लान करना है। जैसे कि सपोज आपके यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब सीईओ जो है वो रिटायर्ड होने वाले या वो जॉब छोड़ के जाने वाले है, या उनका हेल्थ का कोई इश्यू चल रहा है जिसकी वजह से वो जॉब से निकलने वाले है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरे किसी को ग्रूमिंग करना पड़ेगा, मतलब तैयार करना पड़ेगा। जैसे कि कॉलेज का एग्जांपल देता हूँ, कॉलेज में प्रिंसिपल जो होता है वो पोस्ट जो होता है काफी जरूरी होता है, बिकॉज कॉलेज के सारे जो डिसीजंस होते हैं या सारे जो प्लानिंग वगैरह होते हैं वो प्रिंसिपल करते हैं। सपोज किसी कॉलेज में अगर प्रिंसिपल नहीं होते तो वहां पे डिसीजन मेकिंग प्रॉपर नहीं होता है, कॉलेज का परफॉर्मेंस सही नहीं रहता है। सो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में हायर पोजिशन जो होता है वो फिल्ड अप होना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि हायर पोजिशन खाली होने वाली है तो उसके लिए आपको पहले से प्लान करके रखना है। सो सक्सेशन प्लानिंग जो होता है वो हमेशा हायर पोजीशंस के लिए होता है, ये याद रखो। यहाँ पे देखो की पोजीशंस दिया है, की पोजीशन मतलब ही हायर पोजीशन। तो हायर पोजीशन वैकेंट होने वाला है, उसके लिए आप लोग कैंडिडेट को प्रिपेयर करते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सक्सेशन प्लानिंग। तो आपको मीनिंग याद रखना है कि व्हाट इज सक्सेशन प्लानिंग, बिकॉज ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आपको याद रखना है। और सक्सेशन प्लानिंग भी काफी सारे एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक है, इसके ऊपर आपको कोई ना कोई क्वेश्चन तो दिखाई देगा, या तो ऑब्जेक्टिव या तो शॉर्ट नोट या फिर आपको लॉन्ग आंसर। So, succession planning को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे देख के जाना। करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयज के करियर के गोल डिसाइड करना और वो गोल को अचीव करने में उनको हेल्प करना। मतलब जैसे कि कोई एम्प्लॉय है जिसको मैनेजर बनना है, सो उसको हमको क्या करना है? वो मैनेजर बनने के लिए उसको हेल्प करना है, एचआर मैनेजर को। कैसे हेल्प करना है? तो उसको कोई आप लोग ट्रेनिंग वगैरह दे सकते हो, उनको अपॉर्चुनिटीज दे सकते हो, बिकॉज जब तक आप एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटीज नहीं दोगे, ट्रेनिंग नहीं दोगे, उनका करियर कभी भी डेवलप नहीं होगा। सो करियर प्लानिंग मतलब एम्प्लॉय के करियर के गोल डिसाइड करना और वो गोल को अचीव करने में एम्प्लॉय को हेल्प करना, दैट इज कॉल्ड एज करियर प्लानिंग। नहीं तो फिर क्या होगा? एम्प्लॉय जॉब छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, बिकॉज उनको आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी करियर का ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये मीनिंग याद रखना। मेंटोरिंग। मेंटोरिंग का मतलब क्या होता है कि एक सीनियर होता है और जूनियर होते हैं, सीनियर जूनियर को गाइड करते हैं। मतलब अगर सपोज कोई भी प्रॉब्लम अगर आ गया तो वो जूनियर क्या कर सकते हैं? अपने सीनियर के पास जा सकते हैं, उनको बता सकते हैं, और वो उनको एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताएंगे कि इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि आप लोग अभी कुछ महीनों के बाद में कहीं पे जॉब पे ज्वाइन हो जाओगे, स्टार्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, तो आप लोग क्या करोगे? आपके मेंटोर के पास जाओगे और मेंटोर के साथ डिस्कशन करोगे, वो आपको सॉल्यूशन दे देगा। सो मेंटोरिंग का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे दो पार्टीज होती है, एक होता है मेंटोर जो सीनियर होते हैं और एक होता है मेंटी जो जूनियर होता है। मेंटोर जो होता है मेंटी को क्या करता है? गाइडेंस देता है और उन लोगों के जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड एज मेंटोरिंग। ऑब्वियसली मेंटोरिंग होना काफी जरूरी है, बिकॉज आपको अगर कोई भी काम नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप लोग उसको अगर आपके दिमाग में वैसे ही रखोगे तो उसके वजह से क्या होगा? आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। मेंटर होगा तो आप लोग क्या करोगे? उसके पास जाओगे, उसको डिस्कस करोगे और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करवा के लोगे। काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी स्ट्रेस लेवल मतलब स्ट्रेस फुल सिचुएशन होती है तो उसमें काउंसलिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। काउंसलिंग में बेसिकली क्या होता है? एक काउंसलर होता है और एक काउंसिली होता है। काउंसिली को कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में से वो जा रहा है या कोई प्रॉब्लम में से वो जा रहा है, तो काउंसलर क्या करते हैं? उनके प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में उनको हेल्प करते हैं और स्ट्रेस में से उनको बाहर आने में हेल्प करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूँ कि काउंसलिंग के तीन टेक्निक्स होते हैं। एक होता है डायरेक्टिव टेक्निक, एक होता है नॉन डायरेक्टिव, और तीसरा होता है कोऑपरेटिव। डायरेक्टिव का मतलब क्या होता है? कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है तभी डायरेक्टिव काउंसलिंग सेशन यूज किया जाता है। जैसे कि कोई एम्प्लॉय का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, या वो अच्छे से बात नहीं करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी कम हो चुकी है, या काम का स्पीड थोड़ा सा कम हो चुका है, ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसके लिए डायरेक्टिव काउंसलिंग किया जाता है। और ये प्रॉब्लम जो होते हैं काफी
कम समय में सॉल्व हो जाते हैं और कोई भी कर सकता है ये डायरेक्टिव काउंसलिंग, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। सो आपको सिर्फ दो तीन चीजें याद रखनी है, जब कोई स्मॉल इश्यूज होते हैं जैसे कि बिहेवियर के रिलेटेड हो सकता है, एब्सेंटिज्म के बारे में हो सकता है, तो स्मॉल इश्यूज के लिए डायरेक्टिव काउंसलिंग यूज किया जाता है और यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं एंड एनीवन कैन काउंसिल ओवर हियर। नॉन डायरेक्टिव जो होता है थोड़ा अपोजिट होता है, यहाँ पे थोड़े बड़े इश्यूज होते हैं। बड़े इश्यूज का मतलब क्या होता है, वो एम्प्लॉय जो है वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है, वो उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज आ चुके हैं, मतलब वो सुसाइड करने की कोशिश वगैरह करता है, बहुत ज्यादा शराब वगैरह पीने लग गया है, तो ये ऐसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के लिए नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग किया जाता है और यहाँ पे आप लोगों को प्रोफेशनल काउंसलर को ही हायर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली कोई शराबी है या कोई अगर सपोज सुसाइड करने के बारे में बात करता है तो उसको हम लोग हैंडल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको प्रोफेशनल जो काउंसलर्स होते हैं, सर्टिफाइड काउंसलर्स होते हैं, वही उसको हैंडल कर सकते हैं। तो आपको ऐसे लिखना है कि मेजर इश्यूज जो होते हैं जैसे अल्कोहलिज्म है, एब्सेंटिज्म सॉरी बिहेवियरल चेंजेस वगैरह है, तो उसके लिए नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग यूज किया जाता है और यहाँ पे प्रोफेशनल काउंसलर्स की जरूरत होती है। कोऑपरेटिव काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे काउंसलर और काउंसिली दोनों मिलकर प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर इन शॉर्ट आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सॉरी शॉर्ट नोट के लिए क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसको आंसर कर पाओगे, इसके लिए मैंने आपको ये थोड़ा डिटेल में बताया। तो सेकेंड चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छे से पढ़ो, ट्रेनिंग अच्छे से पढ़ो और सेफ साइड के लिए मैंने आपको क्या बोला, किसी का भी इंपॉर्टेंस अगर आपको पूछा तो वो कॉमन पॉइंट्स आप लोग याद रखो, बाकी सबका मीनिंग याद रखना है, कहीं किसी का भी ऑब्जेक्टिव आया तो आप लोग लिख पाओगे। नाउ विल गो टू द थर्ड मॉड्यूल। थर्ड मॉड्यूल इज ह्यूमन रिलेशंस। नाउ ह्यूमन रिलेशंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो आप लोग समझ लो। ह्यूमन रिलेशन का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में अच्छे रिलेशन होने चाहिए, झगड़े नहीं होने चाहिए, बिकॉज यू नो कि जब भी फाइट्स वगैरह होती है, झगड़े वगैरह होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस जो होता है वो अफेक्ट हो जाता है। सो देयर शुड नॉट बी फाइट टेकिंग प्लेस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय और बिटवीन द एम्प्लॉयज। ओके, अच्छे रिलेशंस ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए, सब एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने चाहिए। तो आपको पहला क्वेश्चन वही है कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में झगड़े नहीं होते हैं तो उसके क्या फायदे होते हैं। तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट को एम्प्लॉय की नीड पता चलते हैं, एम्प्लॉय को जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इनोवेशन बढ़ता है, अच्छे से कम्युनिकेशन होता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, एब्सेंटिज्म कम होता है, लेबर टर्नओवर कम होता है। अगर आप लोगों को इसके अलावा भी कोई पॉइंट याद आता है तो आप लोग वो भी लिख सकते हो, जस्ट एक दो बार ये पॉइंट्स को आप लोग ग्लांस करो, आप लोगों को ये आंसर इजीली आ जाएगा। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सेफ साइड के लिए और एकदम ईजी है तो आप लोग पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। अभी ये थ्योरी के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। मैस्लो जो है वो अब्राहम मैस्लो, ये लोग ये क्या है, साइकोलॉजिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो यूएस से बिलोंग करते हैं और इन्होंने किसी भी इंसान की पांच नीड होती है ऐसे उन्होंने बताया हुआ है और वो पांच नीड को उन्होंने ऐसे हायरार्की में अरेंज किया हुआ है। हायरार्की का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल। ओके, ये लोअर लेवल, यहाँ से आपकी नीड शुरू होती है, फिर ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ऐसे पांच नीड होते हैं ऐसे मैस्लो ने बताया हुआ है। अब ये पांच नीड को कैसे पढ़ना है तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। मैस्लो क्या कहते हैं, अभी देखो एक चीज यहाँ पे याद रखना है, आपको एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन लिखना है बिकॉज हम लोग एचआर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। सो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ लिखना है आपको। सबसे पहले एम्प्लॉय की नीड क्या होती है, फिजियोलॉजिकल नीड, अच्छे से याद रखना, फिजियोलॉजिकल नीड है, नॉट साइकोलॉजिकल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे साइकोलॉजिकल लिखते हैं, PHYSIOLOGICAL, फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड का मतलब होता है फूड, क्लोथ और शेल्टर, मतलब सबसे पहले इंसान को क्या चाहिए रहता है, फूड, क्लोथ और शेल्टर, मतलब खाना चाहिए रहता है, रहने के लिए घर चाहिए रहता है और पहनने के लिए कपड़े चाहिए। सो एचआर मैनेजर ने ये नीड को फुलफिल करने के लिए क्या करना चाहिए, तो अगर आप लोग सोचोगे तो आपका आंसर यही होगा कि अच्छी सैलरी पे करनी चाहिए। सो एचआर मैनेजर ने एम्प्लॉय की फिजियोलॉजिकल नीड पूरी करने के लिए सैलरी पे करना चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड ओवर हियर, तो वो बताया एचआर मैनेजर ये मैस्लो ने। जब एम्प्लॉयज की फिजियोलॉजिकल नीड पूरी होती है तो दूसरी नीड आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी का मतलब क्या होता है, जहां पे भी एम्प्लॉयज काम करते हैं वो जगह एकदम सेफ होनी चाहिए, वहां पे एम्प्लॉयज को किसी भी तरीके से रिस्क नहीं होना चाहिए। सो फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, फर्स्ट एड होना चाहिए, फिर बाद में मशीन्स को प्रॉपर रिपेयर करना चाहिए, अगर कहीं पे भी बिल्डिंग में कोई भी क्रैक्स वगैरह है तो क्रैक्स को रिपेयर करना चाहिए,
स्टेयरकेस वगैरह अगर बराबर नहीं है तो स्टेयरकेस को प्रॉपर करना चाहिए, मतलब जहां पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो जगह कैसे होनी चाहिए, नॉन हजार्डस होनी चाहिए या नॉन रिस्की होनी चाहिए। उसके लिए एचआर मैनेजर क्या कर सकते हैं, तो मैंने आपको जस्ट बताया फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, फिर एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना चाहिए कि भाई अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उन लोगों को क्या करना है करके, फाइन। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय की सेफ्टी बनी रहेगी। और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि हर एक एम्प्लॉय चाहता है कि उनको परमानेंट जॉब मिले, सो एचआर मैनेजर ने क्या करना चाहिए, एम्प्लॉय को परमानेंट जॉब अवेलेबल करके देना चाहिए, क्योंकि टेम्पररी जॉब होता है ना, तो एम्प्लॉयज को थोड़ा सा डर लगा रहता है कि दे कैन लूज देयर जॉब एनी टाइम, इसके लिए परमानेंट जॉब एम्प्लॉयज को अवेलेबल करके देना चाहिए। सो देखो, एचआर मैनेजर ने एम्प्लॉयज की पहली नीड आइडेंटिफाई करनी चाहिए जो है फिजियोलॉजिकल नीड, मतलब फूड क्लोथ शेल्टर, और उसको फुलफिल करने के लिए उनको सैलरी देनी चाहिए। देन सेकेंड नीड होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी मतलब क्या, रिस्क फ्री जॉब होना चाहिए, मतलब उन लोगों को किसी भी तरीके से हजार्डस या रिस्क नहीं होनी चाहिए जॉब पे। उसके लिए एचआर मैनेजर क्या कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना, फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल करके देना वो, और सिक्योरिटी नीड को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, परमानेंट जॉब देना चाहिए। देन सोशल नीड। नाउ सोशल नीड का मतलब क्या होता है, कोई भी अकेले रहना पसंद नहीं करता है या आइसोलेशन में काम करना पसंद नहीं करता है, सबको चाहिए कि उसके आजू बाजू में लोग होने चाहिए और लोगों के साथ घुलना मिलना अच्छा लगता है। आप लोगों ने कोरोना टाइम में देखा होगा कि हम जब किसी को आइसोलेटेड किया जाता था तो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता था, बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील होता था, हेल्थ इश्यूज बढ़ जाते थे, तो कोई भी इंसान अकेले रहना पसंद नहीं करता है। सो ये सोशल नीड को पूरा करने के लिए एचआर मैनेजर ने क्या करना चाहिए, तो कभी कभी कोई पार्टीज वगैरह रखनी चाहिए, या सबके साथ कहीं पे पिकनिक के लिए जाना चाहिए, या फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेट करनी चाहिए, जैसे कि ईद है, दिवाली है, क्रिसमस है, ऐसा सेलिब्रेशन करने चाहिए। क्योंकि क्या होता है, ये पिकनिक की वजह से, पार्टी की वजह से, फेस्टिवल सेलिब्रेशन की वजह से सारे एम्प्लॉयज एक होते हैं और फिर वो लोग एक दूसरे के साथ डिस्कशंस वगैरह करते हैं, तो उससे क्या होता है, उनकी सोशल नीड जो होती है फुलफिल हो जाती है। तो सोशल नीड को पूरा करना चाहिए, इससे क्या होगा, एम्प्लॉय थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे, नहीं तो हमेशा काम के ऊपर जाना, काम करना और फिर बाद में वापस से घर पे आना, किसी के साथ घुलना मिलना नहीं, उससे एम्प्लॉय को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है और उतना वो लोग सोशलाइज नहीं होने की वजह से उनके काम के ऊपर उसका इफेक्ट हो सकता है। ईगो एंड एस्टीम नीड। नाउ ईगो एंड एस्टीम नीड का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयज चाहते हैं कि लोगों ने उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए या दूसरे एम्प्लॉयज ने उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उन लोगों का ऑर्गेनाइजेशन में स्टेटस बढ़ना चाहिए। तो हर एक एम्प्लॉय, इवन हम लोग जहां पे भी रहते हैं या हम लोग जहां पे भी होते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि लोगों ने आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओके, सो एचआर मैनेजर ये ईगो और एस्टीम नीड को कैसे पूरा कर सकते हैं, तो एम्प्लॉय को कोई अवार्ड देना अगर उन्होंने अच्छा काम किया है, तो सर्टिफिकेट देना, रिकॉग्निशन करना, उनको लंच के लिए लेके जाना, इससे क्या होता है, एम्प्लॉय का ईगो नीड या एस्टीम नीड पूरा होता है। और लास्ट वाला होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो होता है उसका मतलब ये होता है, ऐसा कुछ करना जो किसी और ने नहीं किया है, मींस अचीविंग समथिंग डिफरेंट व्हिच अदर्स हैव नॉट अचीव्ड। और बहुत ही कम लोग जो होते हैं वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड तक पहुंचते हैं। ज्यादातर लोग, मैं आपको बताता हूं, या ज्यादातर एम्प्लॉय जो होते हैं ये तीन नीड के अंदर ही फंसे रहते हैं, मतलब उनको फिजियोलॉजिकल नीड होती है, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड होता है और सोशल नीड होता है। यहाँ पे बहुत ही कम लोग जाते हैं और यहाँ पे तो और भी कम लोग पहुंच पाते हैं। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को पूरा करने के लिए एचआर मैनेजर ने क्या करना चाहिए, तो एम्प्लॉय को कोई प्रोजेक्ट असाइन करना चाहिए, चैलेंजिंग काम देना चाहिए, प्रमोशंस देने चाहिए, उससे क्या होगा, उनका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो फुलफिल होगा। सो आपको यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, सारे नीड का मीनिंग लिखना है और एचआर मैनेजर ने वो नीड को फुलफिल करने के लिए क्या करना चाहिए वो आपको यहाँ पे लिखना है। देन आता है आपका थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दो तरीके के मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर एक्स और मैनेजर वाई। तो आप लोगों को ये मैनेजर कैसे है उसके बारे में लिखना है। बेसिकली ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये पॉइंट्स अच्छे से याद रखना, एक दो पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों को एक आइडिया आएगा। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई जो है वो डॉगलास मैग्रेगोर जो है उन्होंने दिया हुआ, ये याद रखना इनकेस अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो। ये काफी ईजी थ्योरी है, इसके अंदर क्या बताया हुआ है कि एक्स मैनेजर जो है वो क्या सोचते हैं और वाई मैनेजर जो क्या सोचते हैं। जैसे क्रिएटिविटी है, एक्स मैनेजर क्या सोचते हैं कि एम्प्लॉय जो होते हैं बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं होते हैं। देखो यहाँ पे, इट अज्यूम दैट पीपल आर नॉट क्रिएटिव। वाई मैनेजर क्या सोचते हैं कि पीपल आर क्रिएटिव एंड दे कम अप विद द इनोवेटिव आइडियाज। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्स मैनेजर क्या सोचते हैं कि पीपल आर इरिस्पॉन्सिबल, वाई मैनेजर क्या सोचते हैं कि पीपल आर रिस्पॉन्सिबल। तो देखो एक दूसरे के अपोजिट है,
एक्टिवनेस. एक्स मैनेजर क्या सोचते हैं? पीपल आर लेजी. वाई मैनेजर क्या सोचते हैं? पीपल आर एक्टिव एंड अलर्ट. तो आपको सिर्फ क्या करना है, डिस्टिंग्विश फॉर्म में लिखना है ये मैनेजर की सोच क्या है और ये मैनेजर की सोच क्या है, ये अपने एम्प्लॉयज को कैसे समझते हैं और ये अपने एम्प्लॉयज को कैसे समझते हैं. तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग एक बार देख लेना, आप लोगों को वो आराम से समझ में आएगा. देन ट्रांजैक्शनल लीडरशिप थ्योरी और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं बोल सकता हूं, लेकिन पढ़ने से समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं. इनकेस अगर आप लोगों को समझ में आया तो आप लोग उसको याद रखो, इनकेस ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप लोग लिख पाओगे, नहीं समझ में आएगा तो इसको स्किप करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन मैस्लो की थ्योरी अच्छे से पढ़ना और मैग्रेगोर की थ्योरी अच्छे से पढ़ना. यहाँ पे ट्रांजैक्शनल लीडरशिप का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन मतलब आपको पता है लेन देन होता है. ओके, लेन देन का मतलब क्या है कि अगर एम्प्लॉय अच्छे से काम करेंगे तो उनको रिवॉर्ड मिलेगा, अच्छे से काम नहीं करेंगे तो उनको पनिशमेंट मिलेगा. ये ट्रांजैक्शनल लीडरशिप थ्योरी है. अभी ये थ्योरी किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो पहले ये थ्योरी मैक्स वेबर ने इंट्रोड्यूस किया था, याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए. और बाद में ये थ्योरी के ऊपर और थोड़ा सा काम किया बेर्नार्ड बास ने. तो ये दोनों नाम याद रखना, इन्होंने ये थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था. ये थ्योरी क्या कहता है कि मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को काम देते हैं, ऑब्जेक्टिव्स देते हैं. अगर एम्प्लॉयज वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं या काम को कंप्लीट करते हैं तो उनको यहाँ पे क्या होता है, रिवॉर्ड दिया जाता है. अगर वो लोग काम को कंप्लीट नहीं करेंगे तो उनको क्रिटिसाइज किया जाता है या पनिश किया जाता है. मतलब सिंपल फंडा है, काम करो, काम नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, काम करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा. ये थ्योरी में फॉलो किया जाता है. ये थ्योरी थोड़ा अपोजिट है, यहाँ पे रिवॉर्ड और पनिशमेंट नहीं दिया जाता है. ये ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी है. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? चेंज या इंस्पायर करना. यहाँ पे लीडर क्या करते हैं? अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करते हैं और इंस्पायर होकर यहाँ पे जो भी फॉलोअर्स है वो काम करते हैं. जैसे शिवाजी महाराज का एग्जाम्पल ले लो, छत्रपति शिवाजी महाराज जो, उनसे हम लोग इंस्पायर होते हैं. यस नो, वो हम लोग को कोई भी यहाँ पे रिवॉर्ड या कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलने वाले, लेकिन वो पर्सनैलिटी ऐसी थी कि जिनको देख के हम लोग इंस्पायर होते हैं और इंस्पायर होने के बाद में हम लोग काम करते हैं. लेकिन यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे लीडर क्या कर रहे हैं? अपने जो भी फॉलोअर्स है उनको रिवॉर्ड दे रहे हैं और पनिशमेंट दे रहे हैं और उसके थ्रू उनसे काम करवा रहे हैं. तो डर के मारे या रिवॉर्ड के लिए यहाँ पे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं? इंस्पायर होके काम कर रहे हैं. ये दोनों का डिफरेंस है. ये जो थ्योरी है इसको इंट्रोड्यूस किया किसने किया था? जेम्स मैग्रेगोर बर्न्स, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. ये आप लोगों को याद रखना है. सो बेसिकली ये थ्योरी का आप लोगों को मीनिंग याद रखना है. कहीं पे भी अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में रिवॉर्ड और पनिशमेंट ऐसा शब्द दिखाई देता है तो समझ जाना ट्रांजैक्शनल लीडरशिप. ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, अच्छा काम किया तो रिवॉर्ड मिलेगा, अच्छा काम नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगा ऐसा. और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में क्या मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लीडर जो होते हैं वो अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करते हैं. इतना याद रखना इसमें. अभी ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं. आपको थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, कभी कभी ऐसे होता है कि थ्योरी को हम लोग भूल जाते हैं या इतना अच्छे से नहीं लिख पाते, तो दूसरे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं. यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे दूसरे जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पढ़ने हैं. तो आप लोगों को अगर सपोज इनकेस ये थ्योरी के पार्ट्स क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने अच्छे से नहीं हो पाए या किसी रीजन के वजह से आप लोग उसको भूल गए या लिखने में नहीं आ रहा है, तो आप लोग ये दूसरे क्वेश्चन को थोड़ा सा याद रख सकते हो. यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझाता हूँ. कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को समझ में आया तो ये आंसर्स को आप लोग आराम से यहाँ पे लिख पाओगे. सबसे पहले है एम्प्लॉय मोरल. ना मोरल का यहाँ पे देखो दो स्पेलिंग्स होते हैं मोरल के, एम ओ आर ए एल ई और दूसरा होता है एम ओ आर ए एल. वो जो मोरल होता है एम ओ आर ए एल, उसका मतलब क्या होता है? नैतिकता. मतलब जैसे कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो नैतिकता वाला मोरल होता है जिसका आपको यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है. और एम ओ आर ए एल ई, ये मोरल का मतलब क्या होता है? आपके मन की कंडीशन कैसी है, मन की स्थिति कैसी है. सो एम्प्लॉय मोरल मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयज के मन की कंडीशन कैसी है, उनका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है. जैसे देखो मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ. हम लोग कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि अरे मेरा आज काम में मन नहीं लग रहा है. सो काम में मन नहीं लग रहा है या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या किसी चीज में अगर हम लोग का मन नहीं लग रहा है, मतलब हमारा मोरल क्या है? लो है. मोरल के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग किसी काम को किस तरीके से देखते हुए या फिर हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है या वो काम के तरफ हमारा कॉन्फिडेंस कितना है, वो हमारे मोरल के ऊपर डिपेंड करता है. ओके, अगर हमारा मोरल लो होगा तो उस काम के तरफ हम लोग का एटीट्यूड जो होगा वो नेगेटिव होगा या हम लोग को वो काम के बारे में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होगा.
अगर हमारा मोरल हाई है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग को वो काम करने में कॉन्फिडेंस होगा और सेटिस्फेक्शन होगा। अभी आप लोगों को देखो यहाँ पे मैंने उसका मीनिंग ऑलरेडी लिखा हुआ है, मोरल इज अ स्टेट ऑफ माइंड और विलिंगनेस टू वर्क। मतलब मोरल क्या होता है, हमारे मन की कंडीशन है और हमारी सर एक मिनट है ना, कावड़ा है ना इतने जरा आम खिड़की से इतने भरपूर आवाज करते है, तो मैं जरा त्याला हे करतो एक मिनट प्लीज। ओके आई एम रियली सॉरी। अभी इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को ये क्वेश्चंस थोड़े से देख के जाने हैं, जैसे मैंने ये थ्योरी का क्वेश्चन आपको बताया। काफी बार क्या होता है थ्योरी जो होते हैं उसको आप लोग पढ़ नहीं पाते हो या भूल जाते हो या कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को और भी कुछ क्वेश्चंस है जो यहाँ पे बताऊंगा उसको आप लोग थोड़ा सा देख के जाना। और ये क्वेश्चन जो है वो आपके जनरल नॉलेज के लिए या आगे भी अगर आप लोग एचआर में कोई करियर करना चाहते हो तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में आपको सारे कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आप लोग आराम से यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर लिख पाओगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एम्प्लॉय मोरल। ना मोरल में देखो दो टाइप के मोरल होते हैं, एमओ आर ए एल और एमओ आर ए एल ई। हम लोग को यहाँ पे एमओ आर ए एल ई के बारे में पढ़ना है। ये दो जो वर्ड्स है इसका मीनिंग अलग अलग होता है। एमओ आर ए एल का मतलब क्या होता है, नैतिकता। नैतिकता मतलब क्या कि हम लोग को किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, चीटिंग नहीं करना चाहिए, किसी को बुरे नजर से नहीं देखना चाहिए, फिर बाद में किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, दैट इज मोरल, एमओ आर ए एल, नैतिकता। और एमओ आर ए एल ई का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मन की कंडीशन कैसी है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि अरे मेरा काम में मन नहीं लग रहा या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मतलब आपका काम के तरफ या पढ़ाई के तरफ मोरल क्या है, लो है। मतलब मोरल हमारा लो होता है तो हम लोग को काम करने का मन नहीं करता या वो काम के बारे में हमारा कॉन्फिडेंस नहीं होता या काम से हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। और कभी कभी हम लोग को बहुत ज्यादा अच्छा एक्साइटेड फील होता है, बहुत हम लोग को हैप्पी फील होता है। सो इसका मतलब क्या, हमारा मोरल जो है काफी हाई है। सो जैसे कि आपको कहीं पे घूमने के लिए जाना है तो ऑब्वियसली आपका मोरल हाई हो जाता है। ओके सो मोरल का मतलब क्या है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, मोरल इज अ स्टेट ऑफ माइंड और विलिंगनेस टू वर्क, मतलब आपके मन की कंडीशन कैसी है और आपको काम करने की इच्छा होती है क्या। फिर आगे लिखा हुआ है मोरल जो होता है उसके ऊपर से एम्प्लॉय का ओवरऑल आउटलुक या एटीट्यूड, मतलब उसका नजरिया कैसा है, उसका सेटिस्फेक्शन कितना है, कॉन्फिडेंस कितना है, ये पता चलता है मोरल के ऊपर से। ओके सो एचआर मैनेजर को क्या करना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज का मोरल हमेशा हाई रखना है। बिकॉज एम्प्लॉयज का मोरल अगर हाई रहेगा तो एम्प्लॉय जो है वो अच्छे से काम करेंगे। एम्प्लॉयज का मोरल अगर लो हो जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे एम्प्लॉयज का जो प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, वो अफेक्ट हो जाएगा। सो एम्प्लॉयज का मोरल कैसे हाई रख सकते हैं, तो ऑब्वियसली उनको अच्छे से हम लोग को ट्रीट करना चाहिए, उन लोगों को वेलफेयर फैसिलिटीज देनी चाहिए, फिर बाद में उनको प्रमोशन देने चाहिए, करियर डेवलपमेंट देना चाहिए। ये सब चीजें अगर करोगे तो एम्प्लॉयज का मोरल हाई रहेगा। और अगर ये सब चीजें अगर नहीं करोगे, सपोज आपने उनको काम का बहुत ज्यादा बर्डन दिया, बहुत ज्यादा आप लोग उनके साथ स्ट्रिक्ट रहते हो, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं करते हो, या फिर और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, आप लोग उनको फैसिलिटीज नहीं दे रहे हो, इसके वजह से क्या होता है एम्प्लॉयज का मोरल हाई होता है। सो हर एक एचआर मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज का मोरल जो है वो क्या करना है, हाई रखना है। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एम्प्लॉयज का मोरल कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो 10 पॉइंट दिए, कोई भी 7 पॉइंट आप लोग सिलेक्ट करके लिख सकते हैं। एक दो पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है वो समझ में आएगा। सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशन। नाउ ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या लिखना है कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज कैसी है, उसके ऊपर एम्प्लॉयज का मोरल डिपेंड करता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज बायस्ड है, मतलब थोड़ा सा भेदभाव, जैसे कि प्रमोशन किसी को भी दिया जाता है, डिजर्विंग कैंडिडेट को प्रमोशन नहीं दिया जाता है, फिर ट्रांसफर किसी को भी दिए जाते हैं, इंक्रीमेंट प्रॉपर नहीं दिए जाते, ऐसा अगर ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी होगा तो डेफिनेटली एम्प्लॉयज का मोरल क्या होगा, लो होगा। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी अनबायस्ड है, प्रॉपर है, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयज का मोरल जो हाई होगा। तो आपको इतना ही लिखना है कि एम्प्लॉयज का मोरल कब हाई होता है और कब लो होता है। नेचर ऑफ वर्क, अगर आपको कोई चैलेंजिंग काम दिया जाता है तो ऑब्वियसली आपका मोरल जो होगा वो हाई होगा। लेकिन आपको अगर रिपीटेटिव काम दिया जाता है तो रिपीटेटिव काम के वजह से क्या होता है, आपका मोरल थोड़ा सा लो हो जाता है। देन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, अगर आपको सेटिस्फेक्शन काम से ज्यादा है तो मोरल हाई होगा, सेटिस्फेक्शन कम है तो मोरल लो होगा। लीडरशिप,
लीडरशिप में आपको क्या लिखना है कि अगर आपके लीडर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है ओके तो उसके वजह से क्या होगा, आपका मोरल लो होगा। आपके लीडर अगर सपोर्टिव है तो आपका मोरल हाई होगा। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि एम्प्लॉय का मोरल किसके ऊपर डिपेंड होता है, कब एम्प्लॉयज का मोरल हाई होता है और कब लो होता है, बाकी ये आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको ये फैक्टर्स अच्छे से पढ़ने हैं। सो अंडरस्टैंड व्हाट इज मोरल, ताकि आप लोग इसके जब पॉइंट्स याद करोगे तो उसका एक्सप्लेनेशन आपको लिखने में हेल्पफुल होगा। मोरल का मतलब क्या होता है, मन की कंडीशन या मनोबल जिसको हम लोग बोलते हैं, या इंग्लिश में जिसको बोला जाता है स्टेट ऑफ माइंड। ओके, मोरल हाई होता है तो हम लोग को काम करने का मन करता है, मोरल लो होता है तो काम करने का मन करता नहीं है। सो एचआर मैनेजर ने हमेशा अपने एम्प्लॉयज का मोरल हाई रखना चाहिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इमोशनल क्वेश्चन जिसको EQ बोला जाता है और स्पिरिचुअल क्वेश्चन जिसको SQ बोला जाता है। अभी ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने इंट्रोड्यूस किए थे, तो डैनियल गोलमैन, इनका नाम याद रखना है बिकॉज ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अभी आप लोगों को देखो यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट होते हैं, IQ, EQ और SQ। फाइन, IQ का मतलब क्या है, आप लोग कितने इंटेलिजेंस हो। जैसे कि अगर सपोज मैं आपको अभी कोई क्वेश्चन पूछता हूँ कि XYZ कंट्री की कैपिटल कौन सा है, तो आप लोग तुरंत आंसर देते हो, मतलब आपका IQ अच्छा है। या आपको अगर सपोज मैं कोई सम देता हूँ और उसको आप फटक से सॉल्व करते हो, जैसे 1+2+3+4+4+5+, ऐसे में अगर आपको पूछता हूँ तो तुरंत आप लोग उसका टोटल मुझे बताते हो, मतलब आपका IQ काफी अच्छा है। सो IQ मतलब कि आप लोग इंटेलिजेंट कितने हो। तो सिर्फ IQ जरूरी नहीं होता, IQ के साथ साथ EQ और SQ भी जरूरी होता है। तो EQ क्या होता है पहले वो मैं आपको बताता हूं, इमोशनल क्वोशेंट या इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशंस का मतलब क्या होता है, हमारे फीलिंग्स। अभी हमारे फीलिंग्स कौन से होते हैं, तो हैप्पीनेस हमारा फीलिंग होता है, लव हमारा फीलिंग होता है, हेट्रेड, एंगर, ये सब हमारे फीलिंग्स है। ओके, आप लोग आपके इमोशंस को कितना कंट्रोल कर पाते हो, दैट इज कॉल्ड एज इमोशनल क्वेश्चन। जैसे कि आप बहुत ज्यादा गुस्सा होते हो, मतलब आपका इमोशनल क्वेश्चन क्या है, लो है। फिर बाद में आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हो, मतलब आपका इमोशनल क्वेश्चन क्या है, लो है। क्योंकि क्या होता है, देखो आप लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करोगे, हेट्रेड करोगे, तो ऑब्वियसली आपका काम कभी बनेगा नहीं। ओके, आप लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो खुशी के मारे आप लोग क्या करते हो, लोगों को प्रोमिसेस करते हो, और वो प्रोमिसेस को अगर आपने फुलफिल नहीं किया तो उसकी वजह से आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं। सो ना ज्यादा प्यार अच्छा है, ना ज्यादा गुस्सा अच्छा है। आप लोगों को क्या करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को अगर थोड़ा भी डांटते हैं तो वो लोग रोना शुरू कर देते हैं। ओके, या उनको गुस्सा आ जाता है और फिर गुस्से में वो कुछ ना कुछ कर बैठते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कितने भी खराब सिचुएशन हो उसमें भी वो लोग हंसते रहते हैं, अच्छे से रहते हैं सबके साथ, मतलब उनका इमोशनल क्वेश्चन क्या है, काफी हाई है। सो आपको समझ में आना चाहिए कि आपको आपके फीलिंग्स को कितना कंट्रोल करना है, उसको इमोशनल क्वेश्चन बोला जाता है। अभी हम लोग को HR सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो HR के हिसाब से यहाँ पे सोचना है। आप HR मैनेजर हो तो HR मैनेजर का इमोशनल क्वेश्चन हमेशा हाई होना चाहिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पे एम्प्लॉयज के साथ डील कर रहे हो, और एम्प्लॉयज के साथ डील कर रहे हो तो अलग अलग एम्प्लॉयज का अलग अलग बिहेवियर होता है, और उसके वजह से आप लोगों के इमोशंस को आपको कंट्रोल करने आना चाहिए। कोई एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं होना है, आपको उसको अलग तरीके से समझाना है। ओके, तो इमोशनल क्वेश्चन मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, पर्सन्स एबिलिटी टू मैनेज हिज फीलिंग्स सो दैट दोज फीलिंग्स आर एक्सप्रेस अप्रोप्रिएटली एंड इफेक्टिवली। मतलब एक इंसान अपने फीलिंग्स को कितना अच्छे से मैनेज कर पाता है, दैट इज कॉल्ड एज इमोशनल क्वेश्चन। डोंट बी वेरी हैप्पी, डोंट बी वेरी एंग्री। ओके, बहुत ज्यादा प्यार भी मत करो, बहुत ज्यादा हेट्रेड भी मत करो, दैट इज इमोशनल क्वेश्चन। सो एवरी HR मैनेजर शुड हैव कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस एंड फीलिंग्स, इसको इमोशनल क्वेश्चन बोलते हैं। ओके, देन स्पिरिचुअल क्वेश्चन। नाउ स्पिरिचुअलिटी मतलब आपको पता है, जिसको आध्यात्म बोलते हैं हम लोग। स्पिरिचुअल क्वेश्चन में क्या क्या आता है कि इंसान कितना ऑनेस्ट है, उसके एथिकल वैल्यूज कितने हैं, इंटीग्रिटी कितनी है, इन शॉर्ट आप लोग रिस्पेक्ट कितना करते हो बड़ों को, या आप लोग किसी का एक्सप्लॉयटेशन को नहीं करते हो ना, ये सब चीजों को स्पिरिचुअल क्वेश्चन बोला जाता है। जैसे चोर होते हैं, रेपिस्ट होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, ये लोगों का स्पिरिचुअल क्वेश्चन काफी लो होता है, बिकॉज यहाँ पे ये क्या करते हैं, लोगों को नुकसान करते हैं, और इसके वजह से इनका स्पिरिचुअल क्वेश्चन जो है कम है। एग्जाम्पल, अभी जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये HR सब्जेक्ट है तो हमको HR के हिसाब से सब कुछ लिखना है। HR मैनेजर है, HR मैनेजर काफी ज्यादा फ्रॉड वगैरह करता है कंपनी में, मतलब वो डिसऑनेस्ट पर्सन है, मतलब उसका स्पिरिचुअल क्वेश्चन क्या हो गया, लो हो गया। या वो कोई फाइनेंशियल फ्रॉड्स वगैरह करता है, या कस्टमर्स का एक्सप्लॉयटेशन वगैरह करता है, तो ऑब्वियसली उसका स्पिरिचुअल क्वेश्चन क्या है, लो है। लेकिन आपका HR मैनेजर काफी ऑनेस्ट है,
वो आपको प्रॉपर प्रमोशंस वगैरह देते हैं, ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, अच्छे कॉम्पेंसेशन पे करते हैं, मतलब उनका स्पिरिचुअल क्वेश्चन क्या है, हाई है. ओके, सो एचआर मैनेजर का स्पिरिचुअल क्वेश्चन हाई होना काफी जरूरी है. अगर एचआर मैनेजर का स्पिरिचुअल क्वेश्चन हाई नहीं होगा तो वो एम्प्लॉयज का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे. तो इमोशनल क्वेश्चन मतलब इमोशंस को कंट्रोल करना, स्पिरिचुअल क्वेश्चन मतलब ऑनेस्टी, एथिकल वैल्यूज, इंटीग्रिटी, इसको फॉलो करना, और ये दोनों एचआर मैनेजर के हाई होना काफी जरूरी है. तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि ईक्यू और एसक्यू किसके ऊपर डिपेंड होता है, फैक्टर्स पूछे जाएंगे. तो आपको ये फैक्टर्स कोई भी साथ अच्छे से याद करके जाने, एक दो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको पता चलेगा एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है. सबसे पहला है नेचर ऑफ इंडिविजुअल. नेचर ऑफ इंडिविजुअल मतलब एक इंसान का बचपन से किस तरीके से संगोपन हुआ है या फिर उसको कैसे ट्रीट किया गया है. जैसे कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जो बचपन से ऐसे लोगों के बीच में रहता है जो काफी गुस्सा करते हैं, तो वो पर्सन का नेचर भी वैसा ही होगा, उसका ईक्यू हमेशा लो ही रहेगा बिकॉज वो भी गुस्सा करेगा. कोई अगर पर्सन है जो हमेशा मतलब ऐसे लोगों के बीच में रहा है जो झूठ बोलते हैं काफी ज्यादा, तो ऑब्वियसली उसका स्पिरिचुअल क्वेश्चन क्या होगा, लो होगा, बिकॉज वो भी झूठ ही बोलना शुरू करेगा. सो इंसान के नेचर के ऊपर उसका ईक्यू और एसक्यू डिपेंड करता है, बचपन से वो किसके साथ रहा है या उसके फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है उसके ऊपर उसका ईक्यू और एसक्यू डिपेंड करता है. अगर फैमिली में ऑनेस्ट लोग है, फैमिली में अगर केयरिंग लोग है, तो ऑब्वियसली उसका ईक्यू और एसक्यू जो होगा वो हाई होगा. और अगर लोग केयरिंग नहीं है, लोग अगर सपोज बहुत ज्यादा एंगर वगैरह करते हैं या डिसऑनेस्टी वगैरह दिखाते हैं, तो उसका भी ईक्यू और एसक्यू जो लो हो जाएगा. नेचर ऑफ सुपीरियर, आपका सुपीरियर कैसा है उसके बेसिस पे आपका ईक्यू और एसक्यू डिसाइड होता है. अगर आपका सुपीरियर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है तो आप भी गुस्सा करोगे और आपका ईक्यू लो हो जाएगा. आपका सुपीरियर अगर कोई भी डिसऑनेस्ट एक्टिविटी करता है या कोई पार्शियलिटी वगैरह करता है, तो आप लोगों का एसक्यू भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा. सो नेचर ऑफ सुपीरियर के ऊपर भी ईक्यू और एसक्यू डिपेंड करता है. ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग, अगर सपोज आपके इमोशंस को आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हो या आपका स्पिरिचुअल क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, सो ट्रेनिंग के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. मतलब हमारा ईक्यू और एसक्यू ट्रेनिंग के ऊपर और काउंसलिंग के ऊपर डिपेंड करता है. देन योगा एंड मेडिटेशन, ये तो आपको पता है कि योगा करके मेडिटेशन करके हम लोग बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं. वैसे ही योगा और मेडिटेशन से हम लोग हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं और स्पिरिचुअलिटी को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. सो हमारा ईक्यू और एसक्यू ये सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. आपको सिर्फ ईक्यू और एसक्यू का मीनिंग समझना चाहिए. और एक याद रखना, जनरल मत लिखो. मैंने आपको बताते समय जनरल भी बताया और एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया. आपको एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में लिखना है क्योंकि आपका एचआर का पेपर है, और मुझे समझाने के लिए आप लोगों को थोड़ा जनरली भी बताना पड़ेगा कि ईक्यू और एसक्यू कैसे जनरली फॉलो किया जाता है. आपको सिर्फ एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मत छोड़ना आप लोग. देन वेरी इजी क्वेश्चन, एम्प्लॉय ग्रीवियंस. ग्रीवियंस का मतलब क्या होता है, कंप्लेंट्स. सो एम्प्लॉय किस चीजों के बारे में कंप्लेंट करते हैं, तो आपको पता है कि सैलरी अच्छी नहीं मिलती है, वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं है, वेलफेयर नहीं है, सुपीरियर काफी स्ट्रिक्ट है, काम का लोड काफी ज्यादा है, आपके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया, मतलब आपका सैलरी काट दिया या आप लोगों का कोई बेनिफिट कैंसिल कर दिया, आपको डिसमिस कर दिया, तो इसके वजह से भी क्या होता है, एम्प्लॉयज ग्रीवियंस करते हैं, मतलब कंप्लेंट करते हैं. फेवरेटिज्म होता है बहुत ज्यादा, छुट्टी नहीं मिलती है. सो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, व्हाई एम्प्लॉयज फाइल द ग्रीवियंस या एम्प्लॉयज कंप्लेंट क्यों करते हैं, उसके रीजंस आपको लिखने, कॉजेज आपको लिखने हैं. सो ये क्वेश्चन एकदम इजी है और मैंने काफी बार देखा है कि कभी भी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आता है तो वो लोग अच्छे से इसको आंसर लिख पाते हैं. लेकिन बहुत ज्यादा भी आपको नहीं लिखना है, क्या होगा आपका टाइम काफी ज्यादा जाएगा फिर. तो एम्प्लॉय मोरल, इमोशनल क्वेश्चन और स्पिरिचुअल क्वेश्चन और एम्प्लॉय ग्रीवियंस, ये क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप लोग देख के जाना, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आप लोग उसका आंसर लिख पाओगे. देन लास्ट वन इज योर एम्प्लॉय वेलफेयर मेजर्स. इसमें मैंने वो बताया स्टैचुटरी और नॉन स्टैचुटरी, इसमें से स्टैचुटरी आपको अच्छे से पढ़ना है, नॉन स्टैचुटरी इग्नोर करो आप लोग. मतलब इसमें से आपको सिर्फ इतना पोर्शन पढ़ना है, बाकी ये सब नहीं पढ़ना है आपको. अभी एम्प्लॉय वेलफेयर मतलब मैंने आप लोगों को फंक्शंस पढ़ा रहा था, तभी फर्स्ट चैप्टर में बताया था एम्प्लॉय वेलफेयर का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय की भलाई के लिए, ओके, या एम्प्लॉयज के कल्याण के लिए कौन से मेजर्स लिए जाते हैं. तो इसमें सबसे पहले है आपका ड्रिंकिंग वाटर, ये ऑब्वियसली हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होना ही चाहिए. सिटिंग अरेंजमेंट, फर्स्ट एड, मतलब अगर सपोज कोई एम्प्लॉय को कुछ इंजुरी वगैरह होती है तो उसको फर्स्ट एड होना काफी जरूरी है और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये होना चाहिए. लैट्रिन और यूरिनल, कैंटीन फैसिलिटी, लाइटिंग, चेंजिंग प्लेस, रेस्ट रूम,
ये सब फैसिलिटीज एम्प्लॉयज को मिलनी चाहिए, इसको बोलते हैं एम्प्लॉय वेलफेयर। इसके साथ साथ क्रेश फैसिलिटी, क्रेश का मतलब क्या होता है, आया वगैरह जो होती है, काफी सारे लेडीज जो होते हैं उनको बेबी होने के बाद में वो लोग फिर क्या करते हैं, जॉब छोड़ के चले जाते हैं। तो इसके लिए आजकल ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे 50 या 50 से ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं वहां पे क्रेश फैसिलिटी अवेलेबल करके दिया जाता है, जहां पे आया के पास बच्चे को रखा जा सकता है और जो भी मदर होगी वो अपना जॉब करेगी और दिन में 4 बार वो जाके अपने बच्चे को देख सकती है। तो ये फैसिलिटी भी एम्प्लॉयज को मिलना चाहिए अगर 50 से ज्यादा एम्प्लॉयज है तो। और ये फैसिलिटी बेसिकली किसको दिया जाता है, फीमेल एम्प्लॉयज को। मैटरनिटी लीव, जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो जब भी उनकी डिलीवरी वगैरह होती है तो उसके बाद में उनको लीव वगैरह दी जाती है और वो कंपलसरी है। इसके लिए इसको मैंने स्टैट्यूटरी वेलफेयर फैसिलिटी में डाला हुआ है। और ये भी फैसिलिटी जो होती है फीमेल्स को दिया जाता है और मेल को भी यहाँ पे कुछ दिनों की छुट्टी वगैरह के लिए प्रोविजन होता है, तो वो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, अगर सपोज आप लोग कहीं पे भी जॉब पे जाते हो तो आपको भी ये फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। अगर ये फैसिलिटीज नहीं है तो आप लोग वो कंपनी के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। या आप लोगों भी अगर फ्यूचर में कोई बिजनेस शुरू करते हो तो आपको आपके एम्प्लॉयज के लिए ये फैसिलिटीज अवेलेबल करके देनी है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो देखो एम्प्लॉय ग्रीवियंस वेरी इजी, एक बार पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आएगा कि एम्प्लॉयज कंप्लेंट क्यों करते हैं। और एम्प्लॉय वेलफेयर वेरी इजी, आप लोग एक बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि एम्प्लॉयज को क्या क्या फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। बाकी ये थोड़ा सा आप लोगों को 2-3 बार सुनोगे एम्प्लॉय मोरल और एम्प्लॉय ये इमोशनल क्वेश्चन और स्पिरिचुअल क्वेश्चन, तो आप लोगों को ये 2-3 बार पढ़ने से आराम से आ जाएगा ये क्वेश्चन। सो अगर आप लोगों को थ्योरीज पढ़नी है तो थ्योरीज पढ़ो, थ्योरीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जा रही है तो आप लोग सिंपली क्या करो, ये पार्ट के क्वेश्चन जो है इमोशनल क्वेश्चन के बाद में ये अच्छे से पढ़ो। देन योर लास्ट मॉड्यूल ट्रेंड्स इन HRM, इसके अंदर आपको क्या करना है, जनरली मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि ये स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है वो आप लोग स्किप करो, जैसे कि ये लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, इनोवेटिव कल्चर है, फिर बाद में यहाँ पे इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन को अगर आप लोग स्किप करोगे तो चलेगा। लेकिन ये कॉम्पिटेंसीज को अच्छे से पढ़ना, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है शॉर्ट नोट में या ऑब्जेक्टिव वगैरह आपको आता है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना आप लोग। आगे के जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूँ, बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत सारे स्कोप है और क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप लोगों के माइंड एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है एम्प्लॉय एंगेजमेंट। एम्प्लॉय एंगेजमेंट का मतलब समझ लो, एंगेजमेंट मतलब क्या, इन्वॉल्वमेंट। एम्प्लॉयज अपने कंपनी के साथ कितना इन्वॉल्व है या कितना अपने ऑर्गेनाइजेशन को कमिटेड फील करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एम्प्लॉय एंगेजमेंट। जैसे कि आप लोग देखते हो कि कुछ एम्प्लॉयज होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं, मतलब अगर उन लोगों को देर तक काम करना है तो करने के लिए वो रेडी होते हैं, कोई एडिशनल काम दिया तो वो भी वो करने के लिए रेडी होते हैं। ओके, सो एम्प्लॉय एंगेजमेंट मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयज अपने कंपनी के बारे में कितना पैशनेट फील करते हैं, कितना कमिटेड फील करते हैं, कितना इन्वॉल्व फील करते हैं, उसको बोलते हैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट। अभी एम्प्लॉय एंगेजमेंट 3 टाइप का होता है, एक्टिवली डिसएंगेज्ड, एंगेज्ड एम्प्लॉय और नॉन एंगेज्ड एम्प्लॉय, एंड वेरी इजी वन। पहले मैं आपको सेकेंड पॉइंट बताता हूँ। एंगेज्ड एम्प्लॉयज का मतलब क्या होता है, वो एम्प्लॉयज जो हमेशा कंपनी के बारे में पॉजिटिव बोलते हैं, उनको आप लोग कोई भी काम कर दोगे तो वो लोग काम को करने के लिए रेडी होते हैं और वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के बारे में सोचते हैं और खुद के बेनिफिट के बारे में बाद में सोचते हैं, बिकॉज ये लोग ये सोचते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो हमारा भी ग्रोथ होगा करके। तो ये एंगेज्ड एम्प्लॉय, वेरी पॉजिटिव एम्प्लॉय। नॉट एंगेज्ड एम्प्लॉयज जो होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, जितना काम दोगे उतना ही काम करेंगे, एडिशनल कुछ भी काम नहीं करेंगे वो लोग। एक्टिवली डिसएंगेज्ड एम्प्लॉय ये सबसे डेंजरस एम्प्लॉयज होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नेगेटिव ही बोलते हैं, लोगों को प्रोवोक करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि आपको ये बेनिफिट नहीं देता है, ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं है, यहाँ पे करियर का ग्रोथ नहीं होता है। ओके, और इनको आप लोग कोई भी काम दोगे तो वो हर एक काम को डिसलाइक ही करेंगे, वो काम को अच्छे से करेंगे नहीं और खुद के बेनिफिट के बारे में ज्यादा वो लोग सोचेंगे। तो ऐसे 3 टाइप के एम्प्लॉयज होते हैं, ये आपको याद रखना है। सबसे अच्छे एम्प्लॉयज एंगेज्ड एम्प्लॉय, उनको आप लोग कोई भी काम दो कितना भी काम दो वो लोग अच्छे से करेंगे। नॉट एंगेज्ड एम्प्लॉय, जितना काम दोगे उतना ही करेंगे वो लोग, एडिशनल काम नहीं करेंगे। और डेंजरस एम्प्लॉयज कौन से है, एक्टिवली डिसएंगेज्ड। तो कॉन्सेप्ट याद रखो और 3 टाइप्स याद रखना, अगर आया तो शॉर्ट नोट में आप लोग लिख सकते हो। देन HRIS मतलब ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, फुल फॉर्म याद रखो, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो लिखना पड़ेगा। HRIS क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो HR के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि आपको पता है अकाउंट्स के लिए टैली यूज किया जाता है। ओके, वैसे ही HRM के लिए HRIS ये सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर के अंदर एम्प्लॉय की सारी इंफॉर्मेशन को फीड किया जाता है
और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है तो उसको रिट्रीव किया जा सकता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, ये याद रखना। इस अभी और आपको पता है कि सॉफ्टवेयर यूज करने की वजह से आपका काम जो होता है वो इजी हो जाता है। आपको एम्प्लॉयज की सारी डिटेल मिल जाती है, आपको कौन से एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना है, कौन से एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है, कौन से एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस कैसा है वो फाइंड आउट करना है, एम्प्लॉयज का टाइमिंग फाइंड आउट करना है, अटेंडेंस फाइंड आउट करना है, अचीवमेंट फाइंड आउट करना है, एवरीथिंग यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ये याद रखना। फाइन, कंप्यूटराइज सिस्टम, सिस्टम का मतलब ही होता है सॉफ्टवेयर। और उसके यहाँ पे बेनिफिट्स दिए हैं जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होने की वजह से या HRIS ये सॉफ्टवेयर होने की वजह से क्या होता है, तो आपको एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन मिलती है, रिक्रूटमेंट करना काफी इजी हो जाता है, आपको एम्प्लॉयज का रिपोर्टिंग पता चलता है, उन लोगों का अटेंडेंस पता चलता है, उनकी सैलरी के बारे में हैंडलिंग करना काफी इजी हो जाता है। तो वो सब एकदम जनरल क्वेश्चन है, दो तीन बार पॉइंट्स पढ़ना आप लोगों का ये आंसर बाय हार्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन को आप लोग स्किप कर सकते हो। देन एम्प्लॉई एम्पावरमेंट, ये क्वेश्चन को आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, सिर्फ बता रहा हूं आप लोगों को, एक बार ज्यादा देख लेना, ऑब्जेक्टिव में अगर आया तो आपको पता होना चाहिए एम्पावरमेंट क्या होता है। एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट, जैसे हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट बोलते हैं तो वैसे ही एम्प्लॉय एम्पावरमेंट होता है। देखो जनरली हमारे यहाँ पे क्या होता है, सीनियर जो होते हैं वो हमारे लिए सब कुछ डिसाइड करते हैं, वही हम लोग को गोल डिसाइड करके देते हैं, वही हम लोग को काम असाइन करते हैं, वही हम लोग को डेडलाइन देते हैं और हम लोग से काम करवाते हैं। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉय को सब कुछ करना होता है, मतलब आप आपके खुद के बॉस हो, आपका कोई बॉस नहीं होगा यहाँ पे। यू डिसाइड द ऑब्जेक्टिव, यू डिसाइड द डेडलाइन, यू डिसाइड द वर्क शेड्यूल, सब कुछ आप ही डिसाइड करो, मतलब आपको यहाँ पे पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस दिया है, ऑटोनॉमी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। लेकिन एक चीज याद रखना, जब आप एम्प्लॉयज को इंडिपेंडेंस देते हो तो उसके कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं। देखो बॉस अगर आप लोगों को काम देता है तो बॉस की जिम्मेदारी होती है कि काम को कैसे करवाना है या काम को किस तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में क्या होता है, हर एक जन अपने अपने हिसाब से काम करता है तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती है। काफी बार क्या होता है, एम्प्लॉयज अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर पाते बिकॉज उतना कैलिबर नहीं होता उनके पास काम करने का खुद से, फिर उनको ट्रेनिंग की जरूरत वगैरह पड़ती है, काफी बार झगड़े वगैरह होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट की जाती है। तो इनकेस अगर आप लोगों को ये आंसर याद करना है तो आप लोग कैसे याद करोगे, तो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयज को इंडिपेंडेंस देना, ऑटोनॉमी देना, रिस्पॉन्स, ये तीन शब्द याद रखो, इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी या रिस्पॉन्सिबिलिटी। एम्प्लॉयज को जब ये तीन चीजें दी जाती है, और फिर बाद में आपको लिखना भी है कि एम्प्लॉयज को यहाँ पे खुद के ऑब्जेक्टिव खुद डिसाइड करते हैं, काम की प्रायोरिटी खुद डिसाइड करते हैं, फिर बाद में डेडलाइन खुद ही डिसाइड करते हैं, उसको एम्पावरमेंट बोला जाता है। एम्पावरमेंट के क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो थोड़ा सा आप लोग पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे मैंने आप लोगों को बोला यहाँ पे कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप के एम्प्लॉयज होते हैं, उनका एज अलग होता है, जेंडर अलग होता है, फिर बाद में उन लोगों का कल्चर अलग होता है, लैंग्वेज अलग होता है। जैसे कि आप लोग किसी भी कंपनी को देखोगे तो वहां पे अलग अलग एज के एम्प्लॉयज होते हैं, कुछ लोग सपोज 21 के या 25 के 30 के ऐसे होते हैं, कुछ एम्प्लॉयज जो होते हैं मिडल एज के होते हैं, कुछ एम्प्लॉयज थोड़े से 50 प्लस होते हैं, फिर कुछ मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, कुछ लोगों की लैंग्वेजेस अलग होती है, कास्ट अलग होता है, देन उन लोगों का कल्चर अलग अलग होता है, नेशनैलिटी अलग अलग होती है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा आपको नहीं मिलेगा जहां पे एक ही जैसे एम्प्लॉयज है। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी मतलब वर्कफोर्स मतलब एम्प्लॉय, और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वैरायटी। ओके, सो देखो आपके यहाँ पे अलग अलग एम्प्लॉयज होंगे तो आपको एज अ HR मैनेजर थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, तो पॉलिसीज बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जैसे कि आपने पॉलिसी बनाया कि दिवाली पास में आ रही है तो 2 महीने सबको 12 घंटे काम करना पड़ेगा, मतलब ओवर टाइम करना पड़ेगा। अभी इसमें क्या होगा कि जो ओल्ड एज एम्प्लॉयज होंगे या जो मैरिड फीमेल एम्प्लॉयज होंगे उन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज 12 घंटे काम करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। सो आपको यहाँ पे वर्कफोर्स डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा आप लोग देख के जाना, या मेरे चैनल के ऊपर इसका डिटेल वीडियो है कि HR मैनेजर वर्कफोर्स डाइवर्सिटी को कैसे हैंडल करते हैं, वो आप लोग वहां पे पढ़ सकते हैं। सिर्फ समझ लो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी ऑफ एम्प्लॉयज, अलग अलग टाइप के एम्प्लॉयज होते हैं तो उनको मैनेज करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज क्या होगा, अगर आप एक एम्प्लॉय के ऊपर फोकस करेगा तो दूसरा एम्प्लॉयज जो है वो कंप्लेंट करेगा। जैसे आप यंगस्टर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हो तो ओल्ड एज कंप्लेंट करेंगे, ओल्ड एज के ऊपर ध्यान दोगे तो यंगस्टर्स कंप्लेंट करेंगे, मेल के ऊपर ध्यान दोगे तो फीमेल कंप्लेंट करेंगे, फीमेल के। तो आपको सारे एम्प्लॉयज को क्या करना है, मैनेज करना है। तो कैसे मैनेज करोगे उसके बारे में ये क्वेश्चन है।
एट्रिशन एंड डाउनसाइजिंग, ये इजी क्वेश्चन है. एट्रिशन में याद रखना, एट्रिशन मतलब एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जा रहे हैं, और डाउनसाइजिंग मतलब क्या होता है, कंपनी एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल रही है. वापस से बता रहा हूं, एट्रिशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाते हैं. ओके, एम्प्लॉयज आर लीविंग द जॉब. डाउनसाइजिंग मीन्स ऑर्गेनाइजेशन इज रिड्यूसिंग द वर्कफोर्स, या ऑर्गेनाइजेशन इज रिमूविंग द एम्प्लॉयज फ्रॉम द जॉब. तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है कि एट्रिशन को मैनेज करने के लिए और डाउनसाइजिंग को मैनेज करने के लिए एचआर मैनेजर क्या कर सकते हैं. जैसे कि एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जा रहे हैं, तो एचआर मैनेजर क्या कर सकते हो, तो उसके तरीके मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं. अच्छे से ये आप लोग जो एट्रिशन को मैनेज करने के तरीके है वो पढ़ना, जैसे कि उनको अच्छा सैलरी देना, ट्रेनिंग देना, उनके साथ कम्युनिकेशन करना, मेंटोरिंग करना. ओके, ये सब तरीकों से क्या होगा, एम्प्लॉय का एट्रिशन थोड़ा कम होगा. बिकॉज एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जा रहे, ये अच्छी बात नहीं है. अच्छे एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो लॉस हो सकता है. सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज को काम से निकाल रही है. आपको पता है कि आजकल कॉस्ट कटिंग का जमाना है, और बड़े बड़े कंपनीज में भी एम्प्लॉयज को जॉब से निकाला जाता है. जो भी एक्सेस एम्प्लॉयज होते हैं या रिसेशन वगैरह चल रहा है, तो उसके वजह से एम्प्लॉयज को जॉब से निकाला जाता है. तो जब आप एम्प्लॉयज को जॉब से निकालोगे तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है. अगर वो एम्प्लॉय सपोज किसी ट्रेड यूनियन के पास चले गए, कोर्ट में चले गए, तो आपको वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा. सो एज अ एचआर मैनेजर, आप लोग जब एम्प्लॉयज को निकालते हो जॉब से, तो आपका रोल क्या होता है? तो सिंपल, आप लोग एम्प्लॉयज को जब जॉब से निकालते हो, तो आपको उनको उनका कॉम्पेंसेशन टाइम पे करना है. मतलब आपने अगर आज उनको जॉब से निकाला, तो 2-3 दिन में उनका जो भी ग्रेच्युटी है या जो भी उनका बेनिफिट्स वगैरह उनको मिलने वाले हैं, वो आप लोग उनको पे करो. बिकॉज जॉब से निकाला है तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनके क्रिएट होंगे. अगर आप लोग 2 महीने के बाद में उनका कॉम्पेंसेशन पे करोगे, तो उनके लिए वो क्या होगा, फिर फाइनेंशियल क्रंच का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा. फिर आपको एम्प्लॉयज का थोड़ा सा काउंसलिंग करना पड़ेगा, बिकॉज जॉब गया है तो ऑब्वियसली जॉब जाने की वजह से लोगों को स्ट्रेस आ जाता है. फिर आपको उनको जॉब ढूंढने में हेल्प करना है. और सबसे इंपॉर्टेंट है, जब एम्प्लॉय जॉब पे आते हैं, तभी उनको डाउनसाइजिंग का पॉलिसी बताना है कि भाई कभी भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आया तो आपका जॉब जा सकता है करके. सो एचआर मैनेजर ने डाउनसाइजिंग में क्या करना चाहिए, एचआर मैनेजर ने एट्रिशन में क्या करना चाहिए, ऐसा आपको क्वेश्चन आ सकता है. तो सिंपल है, 2-3 बार सुनो ये वीडियो को, आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा. देन एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म. एब्सेंटिज्म मतलब आपको पता है, एम्प्लॉय जब जॉब से एब्सेंट रहते हैं, तो जब एम्प्लॉयज एब्सेंट रहते हो, तो एचआर मैनेजर को क्या करना चाहिए, वो आप लोगों को लिखना है कि वो क्यों एब्सेंट रहते हैं, उसके कॉजेस फाइंड आउट करो. वो कब एब्सेंट रहते हैं, उसका ट्रैक फाइंड आउट करो. फिर एम्प्लॉयज एब्सेंट क्यों रहते हैं, उसका प्रॉब्लम जानने की कोशिश करो. फिर जो एम्प्लॉयज एब्सेंटिज्म कम है, प्रेजेंटी ज्यादा है, तो उनको आप अवार्ड वगैरह दो, या कोई उनको आप लोग रिवॉर्ड वगैरह दो. इससे क्या होगा, एम्प्लॉय का एब्सेंटिज्म कम हो जाएगा. देन वर्क लाइफ बैलेंस. वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब क्या होता है, कि एम्प्लॉयज का पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करना. क्योंकि आजकल कैसा होता है कि एम्प्लॉयज काम में बहुत ज्यादा रहते हैं, वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है. सो एम्प्लॉयज का वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए एचआर मैनेजर ने क्या करना चाहिए, या एम्प्लॉयज क्या कर सकते हैं अपने वर्क को और प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को मैनेज करने के लिए, एम्प्लॉयज क्या कर सकते हैं, उसके बारे में ये क्वेश्चन है. तो आपको वो वहां पे लिखना है कि जैसे कि थोड़ा सा आप लोगों को लेजर टाइम निकालना है. लेजर टाइम मतलब क्या, काम के साथ साथ कहीं पे घूमने के लिए वगैरह जाना, या कोई अगर पढ़ाई वगैरह करनी है तो उसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो. फिर जो काम जो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, उसको आप लोग आउटसोर्स कर सकते हो. फिर आप लोग थोड़ा सा योगा वगैरह कर सकते हो. पर्सनल ग्रूमिंग के लिए आप लोग टाइम दे सकते हो, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो. इससे क्या होगा, आपका वर्क लाइफ बैलेंस हो जाएगा. वर्क लाइफ मतलब क्या होता है, वर्क मतलब प्रोफेशनल काम जिसको हम लोग बोलते हैं, और लाइफ मतलब पर्सनल वाला. ओके, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है. एंड लास्ट वन इज सेक्सुअल हरासमेंट. अभी हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, वहां पे सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस आते ही है. तो सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए एक एक्ट बनाया था, जिसको क्या बोला जाता है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट. और ये एक्ट कब आया था, 2013 में आया था. ये याद रखो ऑब्जेक्टिव के लिए. नाउ ये एक्ट के हिसाब से क्या होता है, तो यहाँ पे जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंप्लेंट कमिटी होना जरूरी है. इंटरनल कंप्लेंट कमिटी मतलब ICC. मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये ICC जो होता है, वो जो भी सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस होती है उसको रजिस्टर करते हैं. और दूसरा, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होना चाहिए, लोकल कंप्लेंट कमिटी. अगर सपोज किसी एम्प्लॉय को यहाँ पे कंप्लेंट फाइल नहीं करना ICC में, तो वो LCC में जा सकते हैं, मतलब लोकल कंप्लेंट कमिटी में जाके केस फाइल कर सकते हैं.
और आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे अलग अलग एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो काफी बार ऐसे सेक्सुअल हरासमेंट की केसेस हो सकती है, और सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस पे अच्छा बात नहीं है, तो उसको रोकने के लिए एचआर मैनेजर क्या कर सकते हैं उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा आप लोग ये एक्ट के बारे में लिखो कि ये एक्ट 2013 में पास किया गया था, ये एक्ट के हिसाब से इंटरनल कंप्लेंट कमेटी हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होना जरूरी है जहां पे 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज है, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में लोकल कंप्लेंट कमेटी होती है जहां पे एम्प्लॉयज अपनी सेक्सुअल हरासमेंट की केसेस फाइल कर सकते हैं। जब भी सेक्सुअल हरासमेंट की केस आती है तो उसके ऊपर 90 days में इंक्वायरी होना जरूरी है, और इंक्वायरी होने के बाद में 60 दिन के अंदर पनिशमेंट देना जरूरी है। मतलब ये पूरा आप लोगों का 5 महीने का प्रोसीजर है। और फिर एचआर मैनेजर सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा लिखना है। तो देखो, ये चैप्टर में आप लोगों को एज अ एचआर मैनेजर आप लोग अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए क्या कर सकते हैं वो लिखना है। जैसे वर्कफोर्स डाइवर्सिटी है तो उसके लिए एचआर मैनेजर क्या कर सकते हैं, देन एट्रिशन बढ़ रहा है तो उसके लिए एचआर मैनेजर क्या कर सकते हैं, डाउनसाइजिंग बढ़ रहा है तो एचआर मैनेजर क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयज का एब्सेंटिज्म बढ़ रहा है तो एचआर मैनेजर क्या कर सकते हैं। सो जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, एट्रिशन क्या है समझ में आएगा तो आप लोग उसके लिए वेज लिख सकते हो, डाउनसाइजिंग क्या है आपको पता चलेगा तो उसके लिए एचआर मैनेजर क्या कर सकता है आप लिख सकते हो, एब्सेंटिज्म क्या है पता चलेगा तो एचआर मैनेजर क्या कर सकते हैं लिख सकते हो। सो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक ही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं और सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। ये वीडियो को अगर आप लोग प्रॉपरली सुनोगे 2 बार भी तो आप लोगों को ये सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है वो समझ में आएगा। वापस एक लास्ट में आप लोगों को बताता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस के ऊपर आपको फोकस करना है। तो फर्स्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंस फंक्शंस एंड ट्रेडिशनल और स्ट्रेटेजिक एचआरएम पढ़ो, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस अच्छे से पढ़ना, बाकी सारे क्वेश्चन जो उसके मीनिंग देख के जाना। देन सेकेंड चैप्टर में आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल और ट्रेनिंग अच्छे से पढ़ना है, बाकी सबके आपको मीनिंग देखने हैं। लेकिन देन थर्ड चैप्टर में आप लोग थ्योरीज पढ़ो, अगर थ्योरीज नहीं बायहार्ट हो रही है तो आप लोग फिर ये जो क्वेश्चंस है एम्प्लॉय मोरल, EQ, SQ और एम्प्लॉय ग्रीवियंस और एम्प्लॉय वेलफेयर, ये क्वेश्चंस को थोड़ा सा पढ़ना। मतलब ये टोटल आप लोगों के 4 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो या तो थ्योरीज पढ़ो या तो ये क्वेश्चंस पढ़ो। देन नेक्स्ट कम्स इज योर फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर में आप लोग क्या करो, ये जो कॉम्पिटेंसी वाला क्वेश्चन है वो अच्छे से पढ़ना, बाकी के जो क्वेश्चन है वो स्किप करो, और डायरेक्टली आप लोग क्या करो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ के जाना। इसमें भी वर्कफोर्स डाइवर्सिटी होता है, फिर एट्रिशन डाउनसाइजिंग ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, वर्क लाइफ बैलेंस और सेक्सुअल हरासमेंट, ये 5 क्वेश्चन ये चैप्टर में अच्छे से पढ़ना। बाकी आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। तो अभी आप लोगों को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि सर ने तो सारे क्वेश्चंस बताए हैं, मैंने आपको हर एक चैप्टर के अंदर 4 से 5 क्वेश्चंस बताए, उतने आपको अच्छे से पढ़ने हैं, बाकी सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पढ़ने, बिकॉज मैंने आपको क्या बोला कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन आएगा, कहीं पे आपको शॉर्ट नोट के लिए आएगा, कहीं पे फिल इन द ब्लैंक में, कहीं पे ट्रू एंड फॉल्स में आप लोगों को लिखना है। अभी पेपर को किस तरीके से लिखना उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे करता हूँ। देखो आप लोगों का 7.5 मार्क का जो क्वेश्चन होता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, ये जो आप लोगों के 7.5 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, तो वहां पे आप लोगों को मीनिंग लिखना है, और कोई भी 7 पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो चलेगा। बहुत ज्यादा आता है इसके लिए बहुत ज्यादा मत लिखो, जैसे ट्रेनिंग के मेथड से तो मुझे 16 पॉइंट आते हैं तो 16 लिख दिए, डोंट डू दैट। नाम लिखो लेकिन एक्सप्लेन मत करो आप लोग, आप लोग उसमें से 4-4 पॉइंट करोगे तो भी बहुत होगा। मतलब आपको 7 पॉइंट के ऊपर या 8 पॉइंट के ऊपर फोकस करना है। और शॉर्ट नोट्स होते हैं तो शॉर्ट नोट 5 मार्क के लिए होता है, तो 5 पॉइंट लिखो। और एक याद रखना, कोई भी क्वेश्चन लिखते हो तो उसके लिए मीनिंग लिखना बहुत जरूरी है। दूसरा, आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर होता है तो उसमें आप लोगों को क्या करना है कि एक छोटा सा ऐसे आप लोगों के मार्जिन के यहाँ पे लाइन बनाना है, और उसके अंदर आपको पॉइंट्स वगैरह लिखना है। और एक चीज याद रखना, पॉइंट जब लिखते हो तो 1, 2, 3 लिखना। कुछ बच्चे ABCD लिखते हैं या ऐसे स्टार बनाते हैं, ABCD और स्टार से क्या होता है, टीचर को क्लिक नहीं होता है कि आपने कितने पॉइंट्स लिखे हैं। ओके, 1, 2, 3 से क्या होता है, फटक से पता चलता है बच्चे ने 5 पॉइंट लिखे हैं या 7 पॉइंट लिखे हैं। सो पॉइंट जब भी आप लोग लिखोगे 1, 2, 3 में ही लिखना है, आप लोगों को बिल्कुल भी ABCD स्टार डॉट डैश ये सब नहीं यूज करना है। अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द टीचर, बहुत सारे पेपर असेस करने होते हैं, जितना सिंपल आपका पेपर होगा उतना आप लोगों को मार्क्स आप लोग फेच कर पाओगे। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करके रखे तो ऑब्वियसली आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और मैंने बताया वैसा पढ़ाई करोगे तो आपको कोई क्वेश्चन याद नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होगा। लाइन से क्वेश्चन लिखो, अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहे हो तो उसका AB साथ में लिखो। काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि एक पेज पे आंसर जब लिखते हैं तो लास्ट में 5-6 लाइन छोड़ देते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि आपका वो आंसर वहां पे खत्म हो गया, तो हम लोग वहां पे आंसर दे आपको मार्क्स दे देते हैं। फिर टर्न करते हैं तो आधा पॉइंट्स आपने पीछे लिखा हुआ है। एक याद रखो, आपको फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक लिखना है।
हाँ आपका अगर कोई पॉइंट है उसके लिए नीचे सिर्फ दो लाइन बचे हुए तो आप लोग क्या करो दूसरे पेज के ऊपर लिखो और वहां पे पीटीओ करके लिखो, पीटीओ से पता चलेगा कि आंसर अभी बाकी है करके, क्योंकि बहुत सारा स्पेस छोड़ते हो इसका मतलब कि आपका आंसर खत्म हो गया। तो जितना आप लोग ट्रबल करोगे टीचर्स को उतना ज्यादा आप लोगों को कम मार्क्स मिलेंगे, ये एक फॉर्मूला आप लोग याद रखो, बिकॉज साइकोलॉजी होती है यहाँ पे, साइकोलॉजी आप लोग समझने की कोशिश करो। आपको अगर इरिटेशन होता है तो आप लोग क्या करते हो, पनिशमेंट देते हो। वैसे ही टीचर को अगर आप लोग, वैसे तो कोई भी टीचर आपके यहाँ पे मार्क्स नहीं काटते हैं, आप लोगों का यहाँ पे जितना आपने लिखा है उतना डिजर्विंग मार्क्स आपको देते हैं, लेकिन डोंट ट्राई टू इरिटेट, कहीं ना कहीं पे आपके मार्क्स के ऊपर उसका फर्क पड़ सकता है। फिर दूसरा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हम लोग को सेंटेंस लिखना चाहिए क्या, आप लोगों ने सेंटेंस नहीं लिखा तो भी चलेगा, कोई भी आपके मार्क्स यहाँ पे कट नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव में याद रखना है कि आप लोगों को 12 में से 10 अटेम्प्ट करने हैं, तो नंबर प्रॉपरली दे दो। काफी बच्चे क्या करते हैं, तीसरे का आंसर लिखते हैं और वहां पे नंबर गलत लिखते हैं सेकंड करके। सो नंबर गलत लिखोगे तो ऑब्वियसली यू विल नॉट गेट द मार्क्स। चाहिए तो आप लोग 12 के 12 क्वेश्चंस लिखो और सबके आंसर्स लिखो, ज्यादा ज्यादा क्या होगा गलत हो जाएगा उसमें, और तो कुछ होने वाला नहीं है। तो सारे 12 के 12 आंसर्स लिखो आगे पीछे, बहुत सारे बच्चे 8वां क्वेश्चन फिर 5वां क्वेश्चन फिर तीसरा क्वेश्चन फिर दूसरा क्वेश्चन, जितना इरिटेट करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के मार्क्स जाने के चांसेस हो सकते हैं, बिकॉज वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है फिर। और हर एक पॉइंट को अंडरलाइन करना, अंडरलाइन करते समय याद रखो बार बार पेंसिल उठा के हर एक पॉइंट को अंडरलाइन नहीं करते बैठना है, लास्ट के 10 मिनट जब बचेंगे तभी आप लोग पेन पेंसिल उठाओ और फटाफट लाइंस ड्रॉ करना शुरू करो पॉइंट्स को। प्रेजेंटेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बार बार अगर पेन पेंसिल उठा के अंडरलाइन करते रहोगे तो उसके वजह से क्या होगा, आपका टाइम जो होता है वेस्ट होते रहेगा। तो आप लोग क्या करो, पूरा पेपर होने के बाद में लास्ट में एक ही बार आप लोग हर एक पॉइंट्स को अंडरलाइन करना। तो इस तरीके से आप लोग आपके पेपर को अगर लिखोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे वो जो पेपर है अच्छे से अटेम्प्ट हो पाएगा और पूरा पेपर आप लोग यहाँ पे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज होगी तो आप लोग यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख सकते हो, वो उसके आंसर्स में देने की यहाँ पे आप लोगों को कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप सभी को सर ने जो बातें बताई है वो सभी आपने नोट डाउन करके रखी है, एंड सभी चीजों को जैसे जैसे सर ने कहा वो आपने अपने बुक्स में नोट किया होगा और उसी सारी चीजों को आप इम्प्लीमेंट करें, अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से पेपर को लिखे, ज्यादा जल्दबाजी ना करें। बहुत सारी चीजें सर ने डिटेल में बताई है, बहुत सारी चीजें आपकी रिवाइज हुई रहेगी। तो अगर आपकी सारी चीजें इसमें से रिवाइज हुई है तो वीडियो को आप लाइक करके कमेंट कर सकते ताकि मुझे भी पता चले कि सर ने काफी अच्छी तरीके से आपको गाइड किया है। पर्सनली लास्ट मिनट रिविजन विद RSM की तरफ से आई वुड लाइक टू थैंक सर फॉर कमिंग टू द चैनल, गाइडिंग द स्टूडेंट्स। वो अपने चैनल पे काफी अच्छी तरीके से करते ही रहते हैं, लेकिन एक इनिशिएटिव मैंने लिया और सर ने भी मना नहीं किया और सर ने अपने बच्चों को काफी अच्छी तरीके से गाइड करने के लिए सर ने भी हाँ कहा। सो पर्सनली थैंक यू सर फॉर अरेंजिंग यूर वैल्यूएबल टाइम एंड गाइडिंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ TYBCOM, एंड आई थिंक दैट उनको काफी अच्छी तरीके से इस जो भी आपने गाइडेंस दिया होगा उनका बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसी तरीके से सेशंस को हम कंटिन्यू करेंगे, एक्सपर्ट्स के साथ रिविजनरी वीडियोज रिकॉर्ड करेंगे और आप सभी को उन सभी का बेनिफिट होगा। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, सर के चैनल को विजिट करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना ना भूले। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम लास्ट मिनट रिविजन विद RSM। थैंक यू वेरी मच।